जो मैं कर रहा हूं वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। भाई जैसे पता चला तू आया तो देख मैं खुद तेरे स्वागत के लिए आ गया। चूज कर क्या खाएगा? ये खाएगा बस निकल गई तेरी सारी हीरो बनती। क्या कर रहे पागल है क्या? अभी तक तो नहीं सोचा था, अब लगता है हो जाऊंगा। पता है तुझे आज यहां क्यों लाया? क्योंकि इधर कोई झूठ नहीं बोलता, सच कह रहा हूं। जो मैं कर रहा हूं वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। भाई जैसे पता चला तू आया तो देख मैं खुद तेरे स्वागत के लिए आ गया। चूज कर क्या खाएगा? ये खाएगा तेरी सारी हीरोपंती। क्या टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 2 का नया पोस्टर भी चुराया हुआ है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कल साइना नेहवाल की बायोपिक साइना का पोस्टर रिलीज किया गया था। पोस्टर में लोगों ने कमी निकाली कि साइना है बैडमिंटन प्लेयर, लेकिन पोस्टर में शटल को टेनिस वाले स्टाइल से पकड़ा गया है। इस वजह से कल पूरे दिन साइना टीम ट्रोल होती रही, लोग तरह तरह के मेम बना रहे थे। और ये सब खत्म भी नहीं हुआ था कि टाइगर श्रॉफ की नई फिल्म का पोस्टर चर्चा में आ गया। चलिए आपको पूरा मैटर बताते हैं। तो हुआ ये कि कल टाइगर श्रॉफ का जन्मदिन था और इस मौके पर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी आने वाली फिल्म हीरोपंती 2 की रिलीज डेट का ऐलान किया एक नए नवेले पोस्टर के साथ। पोस्टर में टाइगर कार के ऊपर चढ़कर दोनों हाथों में बंदूक लिए दिख रहे हैं। पोस्टर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर बवाल हो गया। लोगों को ये समझते देर नहीं लगी कि ये पोस्टर असल में फेमस वीडियो गेम सीरीज हिटमैन के पोस्टर से ही कॉपी किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, टाइगर का काला सूट और सफेद शर्ट के साथ लाल टाई और बंदूक पकड़ने का स्टाइल भी हिटमैन के एजेंट 47 जैसा ही है। आपको बता दें कि इस वीडियो गेम के तर्ज पर 2007 में हिटमैन नाम से मूवी भी बन चुकी है, जो कि आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। पिछले साल 28 फरवरी को हीरोपंती 2 का ऐलान भी पोस्टर के साथ ही हुआ था। उस वक्त भी लोगों ने जी भर कर खिल्ली उड़ाई थी। कारण
वही हीरोपंती 2 का पोस्टर फेमस हॉलीवुड थ्रिलर जॉन विक के पोस्टर से बहुत ही ज्यादा मिलता जुलता था। जॉन विक के पोस्टर की तरह ही हीरोपंती 2 का पोस्टर में भी टाइगर श्रॉफ भी सड़क पर सूट पहने हाथ में कुछ बड़ी सी डेंजर टाइप बंदूक लिए खड़े दिख रहे थे। हीरोपंती 2 जैसा कि नाम से ही जाहिर है टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म हीरोपंती की ही फ्रेंचाइजी का अगला भाग है। हालांकि हीरोपंती 2 की कहानी का पहली फिल्म हीरोपंती से कोई लेना देना नहीं होगा। ये फिल्म 2008 में रिलीज हुई अल्लू अर्जुन स्टार परुगु की रीमेक होगी। इसको अहमद खान डायरेक्ट करने वाले हैं और ये फिल्म 3 दिसंबर 2021 को रिलीज होने वाली है। वैसे अगर आप परुगु देखना चाहें तो वूट पर उपलब्ध है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को सब्सक्राइब भी जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जो मैं कर रहा हूं वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। भाई जैसे पता चला तू आया तो देख मैं खुद तेरे स्वागत के लिए आ गया। चूज कर ये खाएगा ये खाएगा। निकल जी तेरी सारी हीरो पंती। तो अपने आपको हीरो समझता है क्या? तो अब क्या हीरोपंती 2 के साथ किसी अलग तरीके से जुड़ने वाले हैं हमारे एक्शन हीरो यानी कि अक्षय कुमार और क्या तरीके हो सकते हैं ये? तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज में और मैं हूं निष्का त्यागी। तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और हमारे चैनल बॉलीग्रास को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा ताकि अगली बार जब बॉलीग्रास स्टूडियोज से कुछ अपडेट्स आए तो आपके फेवरेट हीरोज के बारे में तब आप सबसे पहले वीडियो देख पाए। तो दोस्तों ये होने वाली है एक बहुत ही ज्यादा मजेदार कहानी। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ ये तो बाद में ही पता चलने वाला है, मगर अब तक हमने जितना सुना है उसके बारे में आपको भी बता देते हैं। तो दोस्तों आपको पता ही है कि कोविड की वजह से थिएटर्स कई दिनों के लिए बंद पड़े थे और इसीलिए अभी जनता थिएटर्स में फिल्म देखने के लिए जाएगी या नहीं ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है, जिसका जवाब हम 11 मार्च को रिलीज होने वाली फिल्म रूही के रिस्पॉन्स से ही जान सकते हैं। अभी रिस्क लेना हर किसी को पसंद तो नहीं है, तो इसलिए साजिद नारियावाला इस्तेमाल करना चाहते 90s का 100% सक्सेसफुल फॉर्मूला यानी कि इंसेबल कास्ट का। आपने अगर ये नोटिस किया होगा 90s की ऑलमोस्ट सारी हिट फिल्मों के बारे में, तो सारी फिल्मों में अक्सर 2 से 3 अभिनेता और 2 से 3 अभिनेत्रियां हुआ करती थी, वो फिल्में हिट भी होती थी। तो इसलिए इस बार टाइगर श्रॉफ के साथ अक्षय कुमार को भी इस फिल्म में लेने का प्लान कर रहे हैं हमारे साजिद नारियावाला। तो क्या अक्षय कुमार का इस फिल्म में एक बहुत बड़ा किरदार है? शायद नहीं, क्योंकि फिल्म ऑलरेडी काफी लेट जा रही है, तो इसमें अगर अक्षय कुमार को लिया जाए तो शायद फिल्म कभी खत्म ही ना हो पाए। क्यों? आपको बता दें क्योंकि खिलाड़ी कुमार साल में 5 से 6 फिल्में करते हैं, तो एक बड़े किरदार के लिए उन्हें फिर से डेट निकालनी पड़ेगी, तो उनका शायद सिर्फ एक कैमियो ही रहेगा इस फिल्म के अंदर। दरअसल दोस्तों एक गुप्त सोर्स से हमें पता चला है कि साजिद ने अपने बहुत करीबी मित्र यानी कि अक्की यानी कि अक्षय कुमार को अपने आने वाली फिल्मों के बारे में ट्वीट करने को कहा था। अपनी आगामी फिल्म तड़प और हीरोपंती 2 के लिए ट्वीट करने के लिए अक्षय को जब वो मना भी चुके थे और ये बात पक्की हो गई थी, तड़प का पोस्टर रिलीज अक्षय कुमार ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर किया था। हीरो आहान शेट्टी पर बहुत प्यार बरसाते हुए उन्होंने फिल्म को खूब सारी शुभकामनाएं दी और इसी के साथ उसी दिन टाइगर श्रॉफ के बर्थडे पर हीरोपंती 2 की रिलीज डेट भी अनाउंस हो गई, मगर ये अनाउंसमेंट खुद टाइगर श्रॉफ ने ही की थी। अक्षय ने अभी तक हीरोपंती 2 के लिए कोई ट्वीट नहीं किया है। इससे क्या हम ये समझ सकते हैं कि शायद अक्षय कुमार अपनी भूमिका के बारे में जानने के बाद ही अनाउंस करेंगे ट्विटर पर हीरोपंती 2 से रिलेटेड सारी जानकारियां? तो आप खिलाड़ी कुमार को कैसा देखना चाहेंगे अगर ये कैमियो पक्का हो जाता है? तो
भीष्म के कैमियो जैसा या फिर किसी और कैमियो के जैसा? अपने दोस्तों हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे आज के राइटर हैं श्रेष्ठ दास। जो मैं कर रहा हूं वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। भाई जैसे पता चला तू आया तो देख मैं खुद तेरे स्वागत के लिए आ गया। चूज कर क्या खाएगा? ये खाएगा तेरी सारी हीरोपंती। क्या टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 2 का नया पोस्टर भी चुराया हुआ है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कल साइना नेहवाल की बायोपिक साइना का पोस्टर रिलीज किया गया था। पोस्टर में लोगों ने कमी निकाली कि साइना है बैडमिंटन प्लेयर, लेकिन पोस्टर में शटल को टेनिस वाले स्टाइल से पकड़ा गया है। इस वजह से कल पूरे दिन साइना टीम ट्रोल होती रही, लोग तरह तरह के मेम बना रहे थे। और ये सब खत्म भी नहीं हुआ था कि टाइगर श्रॉफ की नई फिल्म का पोस्टर चर्चा में आ गया। चलिए आपको पूरा मैटर बताते हैं। तो हुआ ये कि कल टाइगर श्रॉफ का जन्मदिन था, और इस मौके पर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी आने वाली फिल्म हीरोपंती 2 की रिलीज डेट का ऐलान किया एक नए नवेले पोस्टर के साथ। पोस्टर में टाइगर कार के ऊपर चढ़कर दोनों हाथों में बंदूक लिए दिख रहे हैं। पोस्टर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर बवाल हो गया। लोगों को ये समझते देर नहीं लगी कि ये पोस्टर असल में फेमस वीडियो गेम सीरीज हिटमैन के पोस्टर से ही कॉपी किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, टाइगर का काला सूट और सफेद शर्ट के साथ लाल टाई और बंदूक पकड़ने का स्टाइल भी हिटमैन के एजेंट 47 जैसा ही है। आपको बता दें कि इस वीडियो गेम के तर्ज पर 2007 में हिटमैन नाम से मूवी भी बन चुकी है, जो कि आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। पिछले साल 28 फरवरी को हीरोपंती 2 का ऐलान भी पोस्टर के साथ ही हुआ था। उस वक्त भी लोगों ने जी भर कर खिल्ली उड़ाई थी। कारण वही हीरोपंती 2 का पोस्टर फेमस हॉलीवुड थ्रिलर जॉन विक के पोस्टर से बहुत ही ज्यादा मिलता जुलता था। जॉन विक के पोस्टर की तरह ही हीरोपंती 2 का पोस्टर में भी टाइगर श्रॉफ भी सड़क पर सूट पहने हाथ में कुछ बड़ी सी डेंजर टाइप बंदूक लिए खड़े दिख रहे थे। हीरोपंती 2 जैसा कि नाम से ही जाहिर है, टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म हीरोपंती की ही फ्रेंचाइजी का अगला भाग है। हालांकि हीरोपंती 2 की कहानी का पहली फिल्म हीरोपंती से कोई लेना देना नहीं होगा। ये फिल्म 2008 में रिलीज हुई अल्लू अर्जुन स्टार परुगु की रीमेक होगी। इसको अहमद खान डायरेक्ट करने वाले हैं, और ये फिल्म 3 दिसंबर 2021 को रिलीज होने वाली है। वैसे अगर आप परुगु देखना चाहें तो वूट पर उपलब्ध है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को सब्सक्राइब भी जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। क्या हीरोपंती 2 में कृति सेनन का कैमियो की जगह उनका एक आइटम सॉन्ग ही डाल दिया गया है? क्या नाराज हुई कृति इस बात से, या ये कृति को शेड्यूल में फिट करने के लिए ही किया गया है? जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि अगली बार जब बॉलीग्रास स्टूडियोज से कुछ अपडेट्स आए आपके फेवरेट हीरोज के बारे में, तब आप सबसे पहले वीडियो देखें। दोस्तों, आपको तो पता है कि माँ अपने हर बच्चे को समान तरह से प्यार करती है, किसी को ज़्यादा और किसी को कम नहीं करती, किसी में कोई अंतर नहीं करती, किसी भी नौबत में ये सच कभी बदलता नहीं है।
एक माँ की तरह ही तो फिल्म हीरोपंती ने दो नए स्टार्स कृति सेनन और टाइगर श्रॉफ को फिल्म इंडस्ट्री में जन्म दिया और उनकी अगली बड़े फिल्में यानी कि टाइगर श्रॉफ के लिए बाघी और कृति सेनन के लिए बरेली की बर्फी जब तक नहीं आई थी। तब तक इसी माँ के सहारे तो इन दोनों ने फिल्म जगत की मुश्किल दुनिया का सामना किया। तो फिर अब जब उस माँ के जीवन का एक नया दौर आने वाला है तो दोनों बराबरी में फिल्म के प्रति अपना योगदान देना चाहते हैं। फिल्म हीरोपंती 2 में पहले हीरो के लिए टाइगर श्रॉफ को लिया गया था। आज टाइगर अपने मेहनत और प्रतिभा के बलबूते पर कितनी ऊंचाई तक पहुंच चुकी है तो उनका इस फिल्म में रहना तो तय था। फिर हीरोइन के लिए कटरीना कैफ को लिया गया था ताकि फिल्म फ्रेंचाइज को और भी बड़ा स्केल मिल जाए एक बड़ी एक्ट्रेस की मौजूदगी से। फिर जब कटरीना के डेट्स मैच नहीं हुए तब साजिद पहुंचे अपनी फेवरेट एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडेस के पास। जैकलिन की डायरी में भी इस फिल्म के लिए जगह नहीं थी। फिर साजिद सारा अली खान को कंसीडर करना चाहते थे मगर सारा के ड्रग कंट्रोवर्सीज के वजह से वो कोलैबोरेशन के लिए आगे नहीं बढ़ पाए। फिर आखिर में टाइगर की सहेली तारा सुतरिया को ये फिल्म मिली और तारा खुशी खुशी फिल्म करने के लिए राजी भी हो गई। मगर इस फिल्म के पहले पार्ट के ओरिजिनल एक्ट्रेस कृति सेनन को फिल्म एक बार भी ऑफर नहीं हुआ और इस बात से कृति हो गई काफ़ी खफा। कृति को लगा कि टाइगर की तरह उन्होंने भी इस फिल्म से समान पॉपुलैरिटी हासिल की थी। उन्हें इस बात का बहुत बुरा लगा और इसलिए इस बात को उन्होंने अपने प्रोड्यूसर साजिद नदियतवाला को कहा जिनके साथ वो काफ़ी करीब है। साजिद ने उनकी बात को समझा और इसलिए उनके लिए एक स्पेशल ट्रैक डाला फिल्म में। मगर अब जैसे कृति के पास इसके लिए भी डेट्स नहीं मिल रहे। इस साल कृति फिल्म्स बच्चन पांडे मिमी भेदिया के साथ साथ आदि पुरुष में भी दिख सकती है। तो आप कृति को एक आइटम सॉन्ग या स्पेशल सीक्वेंस किस में देखना पसंद करेंगे हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। हीरोपंती 2 इज द सीक्वल टू टाइगर श्रॉफ रिवर्स सुपरहिट एक्शन रोमांटिक ड्रामा हीरोपंती विच स्टार्ड कृति सेनन अलोंग विद टाइगर। हीरोपंती 2 हैज तारा सुतरी ऑपोजिट टाइगर एंड प्रॉमिसेस टू प्रोवाइड बोथ द एक्टर्स एनफ स्कोप टू प्रूव देयर एथलेटिक मेटल। क्योंकि इधर कोई झूठ नहीं बोलता, सच कह रहा हूं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आखिर क्या है हीरोपंती 2 की कहानी? क्या ये होने वाली है एक ऑल टुगेदर डिफरेंट फिल्म या होगी हीरोपंती की आने वाली सीक्वल? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा ताकि अगली बार जब बॉलीग्राड स्टूडियोज से कुछ अपडेट्स आए फेवरेट हीरोज के बारे में तब आप सबसे पहले वीडियो देखें। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मैं हूं अनुष्का त्यागी। आज हम बात करने वाले हैं हमारी अपकमिंग मूवी हीरोपंती 2 के बारे में। पता चला है कि कृति सेनन ने अपनी फिल्म हीरोपंती 2 के डायरेक्टर को फिल्म की सीक्वल में काम करने के लिए साजिद नदियतवाला को काफी रिक्वेस्ट किया था। पहले इस फिल्म में टाइगर एक ऐसा किरदार निभाने वाले थे जिसको विश्वास के सारे इंटेलिजेंस ऑफिसर ढूंढते हों मिलके। इस फिल्म में तारा सुतारिया का रोल अब तक रिवील नहीं किया गया है। आपको बता दें कि मगर अब पता चला है कि फिल्म की कहानी पहले पार्ट की एक सीक्वल होने वाली है। फिल्म हीरोपंती के सीक्वल में टाइगर श्रॉफ को एक नया लुक दिया जाएगा। आपको ये बता दें कि उनका किरदार बबलू अब 7 साल बड़ा किसी गांव या छोटे से शहर में नहीं बल्कि दुनिया भर में हीरोपंती करता नजर आएगा। जैसे कि हमने आपको बोला कि फिल्म में टाइगर के पीछे कुछ एजेंट्स बहुत सारे इंटरनेशनल एजेंट्स भागने को दिखेंगे। कहानी पहले सिर्फ यही थी। टाइगर को भी इस फिल्म में एक क्रिमिनल बनाया गया था जिसके इरादे असल में दुनिया को कानून से बचाना हो। जी हाँ, कानून से बचाना। दुनिया इंसान के द्वारा बनाए गए कानून के
तौर तरीकों से नुकसान ज्यादा और फायदे कम हुए हैं। इसी एंगल को लेकर फिल्म भी बनने वाली थी। टाइगर का किरदार कानूनी ऑफिशियल्स को चैलेंज करना होता है और अपने तौर तरीके जिसको कानून पसंद नहीं करता बल्कि गैर कानूनी घोषित कर देता है, उनकी मदद से दुनिया के लोगों के बीच प्यार और शांति के साथ खुशी और आशा की किरण भी लाता है। मगर फिर भी जब कानूनी ऑफिशियल उसे एक्ट में पकड़ते हैं तब लोग हर जगह हड़ताल करते हैं। इसी वक्त कानून पर ये सवाल आता है कि आपके तौर तरीकों के बारे में सोचें जिससे दुनिया सफर कर रही है, इन लोगों की भलाई के लिए उनमें बदलाव लाएं। दोस्तों आपको बता दें कि तो अब ऐसे में जब कृति सैनन ने साजिद से अनुरोध किया कि हीरोपंती 2 में उनका भी एक किरदार रहना चाहिए क्योंकि ये उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण फिल्म थी, तब साजिद ने कहानी में बदलाव लाने की सोची। टाइगर के उसी किरदार को बबलू बुलाया गया और फिल्म में दिखाया जाएगा कि छोटे शहर या एक आशिक लड़का कैसे अपने कम्फर्ट जोन से निकल कर दुनिया बदलने के बारे में सोचता है और उनकी कहानी फ्लैशबैक में दिखाई जाएगी और इस फ्लैशबैक में नजर आएंगे कृति सैनन। तो दोस्तों ये थी हमारी हीरोपंती 2 से जुड़ी एक एक्सक्लूसिव अपडेट जो आपको किसी भी इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगी। आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा अपनी राय इस फिल्म की कहानी पर और तब तक हम फर्दर अपडेट्स के लिए मेहनत करते रहेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे आज के राइटर हैं श्रेष्ठ दास। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ हमारी नेक्स्ट वीडियो। क्या हीरोपंती 2 के कोविड-19 कॉन्सेप्ट को कैंसिल कर दिया गया है? क्या इस फिल्म को भी एक रीमेक के रूप में जाना जाएगा? मैं प्रियंका धनखड़ स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। जानने के लिए पूरा वीडियो देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली बार जब भी बॉलीग्रेड स्टूडियो से कुछ अपडेट्स आए आपके फेवरेट एक्टर्स के बारे में तब आप सबसे पहले उन्हें देख पाए। दोस्तों हमने आपको हीरोपंती 2 का एक ऑफिशियल सिनॉप्सिस प्रेजेंट किया था क्योंकि बागी 4 का आइडिया ऑलरेडी बन चुका था, इसलिए इस यूनिक सिनॉप्सिस को मेकर्स ने हीरोपंती 2 में डालने की कोशिश की है। दरअसल बात ये है कि कलाकार हमेशा अपने आसपास की दुनिया और लोगों से प्रेरित होते रहते हैं, उन्हें क्रिएटिविटी की प्रेरणा कहीं ना कहीं से मिल ही जाती है। कोरोना वायरस से भी लोगों को कई तरह के आइडियाज की प्रेरणा मिली है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने कहा है कि अब तक उनको कोरोना कोविड पैंडेमिक वर्ड के साथ कुछ 50 फिल्मों के सबमिशन आ चुके हैं। तो ऐसे में अगर फिल्म के नाम में ही कोरोना का जिक्र हो जाए तो कोई सस्पेंस नहीं रहता और फिल्म के आइडियाज या थीम रिवील हो जाते हैं। तो इस वक्त बागी 2 और बागी 3 के डायरेक्टर अहमद खान ने कोरोना सिचुएशन को ऑब्जर्व करके ये नोटिस किया कि अगर कोरोना एक अनजान अनदेखा और अनसुना इंसान हो जो दुनिया को किसी कोने से अपना ऑपरेशन, उसका ऑपरेशन यानी कि लोगों की जिंदगी बर्बाद करना हो, को संभाल रहा हो। साथ ही विश्व के सारे साइंटिस्ट, इंटेलिजेंस एजेंसीज, डॉक्टर्स, नर्सेस, हेल्थ केयर वर्कर्स, पुलिस फोर्स के लोग हों जिनको ये कोरोना यानी कि वो अनदेखा अनजान आदमी अपने चंगुल में फंसा लेता है, तो एक बहुत ही यूनिक फिल्म का कॉन्सेप्ट तैयार किया जा सकता है। अब तक दुनिया में कोरोना का कोई हल नहीं निकला सिवाय वैक्सीन के, जिसे भी अब तक कई सारे लोगों ने नहीं लिया है। तो ऐसे में अगर एक फिल्म में कोरोना का हल स्वरूप एक बहुत ही एजी क्लाइमेक्स बन पाए तो कितना अच्छा होता। अहमद ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि फैंस के लिए बागी फ्रेंचाइजी को जीवित रखा जाएगा और बागी 4 जरूर बनेगी।
जब इस आइडिया को अहमद ने अपने दोस्त और प्रोड्यूसर साजिद को बागी 4 के लिए सुनाया, साजिद ने उन्हें याद दिलाया कि बागी 4 के लिए स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। तो इससे अहमद काफी उदास हो गए, क्योंकि उनके हिसाब से उनका आइडिया बहुत यूनिक था और वो इस फिल्म को ह्यूमनाइज और पॉपुलराइज करने के लिए टाइगर श्रॉफ को लेना चाहते थे, ताकि फिल्म की एक मास अपील रहे। लेकिन तब तक साजिद ने कहा कि वो टाइगर श्रॉफ के फैंस के लिए उनके फेवरेट एक्टर की पहली फिल्म के सिक्वल प्लान कर रहे हैं। और इसी वक्त साजिद ने सोचा कि अहमद के आइडिया को हीरोपंती 2 के लिए क्यों ना लिया जाए। तो स्क्रिप्ट सबको सुनाई गई और सबको स्क्रिप्ट अच्छी लगी, मगर इस कहानी पर गौर करें तो इसमें हीरोइन का कोई पार्ट नहीं रहता, लेकिन तारा ने फिल्म साइन भी कर ली टाइगर और साजिद के भरोसे पर। तो लग रहा है कि फिल्म की कहानी में लाया जाएगा हीरोइन से भरा ट्विस्ट, और इससे भी किसी साउथ फिल्म के रिमेक से मैशअप किया जाएगा। आपको कैसी लगी हमारे द्वारा बताई गई हीरोपंती 2 की कहानी, और कैसे हीरोपंती में हीरोइन पंती का तड़का लगाया जा सकता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि इसके कुछ फर्दर डेवलपमेंट्स हम आपको बता सकें, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। स्क्रिप्ट रिटन बाय सरेश दास। जो मैं कर रहा हूं वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। भाई जैसे पता चला तू आया तो देख मैं खुद तेरे स्वागत में आ गया। चूज कर क्या खाएगा। क्या तारा सितारिया नहीं दे पा रहे हैं हीरोपंती 2 को अपना वक्त? क्या उनकी वजह से फिल्म की रिलीज डेट में हो रही है देरी? दोस्तों, हीरोपंती 2 के सेट पर आ रहे हैं एक के बाद एक मुसीबतें, जिसकी वजह से फिल्म की रिलीज डेट को पोस्टपोन किया जा रहा है। अब तक के लिए फिल्म का सबसे बड़ा चैलेंज था KGF चैप्टर 2 के साथ बॉक्स ऑफिस क्लैश, जिसकी वजह से मेकर्स फिल्म को जुलाई 16 से आगे पोस्टपोन करने की सोच रहे थे, मगर अब पता चला है कि फिल्म में आ रही है एक से ज्यादा मुसीबतें। हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि फिल्म की शूटिंग काफी डिले हो रही है, और ऐसे में फिल्म की एडिटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, VFX में काफी वक्त लग सकता है। तो ऐसे में KGF चैप्टर 2 के साथ क्लैश तो दूर की बात है, फिल्म की रिलीज ही शायद ना हो पाए। अब पता चला है कि फिल्म के इन डिलेज का प्रमुख कारण है फिल्म की लीडिंग लेडी। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि फिल्म की हीरोइंस को लेकर थी पहले ही इतनी सारी समस्या। पहले फिल्म के लिए एक एक्शन हीरोइन की जरूरत थी, जिसके लिए फिल्म ऑफर हुई थी कटरीना कैफ को। लेकिन कटरीना तब अली अब्बास जफर के साथ अपनी सुपर हीरो फिल्म्स सुपर सोल्जर और यश राज फिल्म्स की वायर ऑफ 50 प्रोजेक्ट टाइगर 3 की वजह से डेट्स नहीं दे पाई हीरोपंती 2 को। फिर जैकलीन फर्नांडिस को मिला ये ऑफर, मगर वो भी 2020 के एंड में अर्जुन कपूर के साथ फिल्म भूत पुलिस के लिए डेट्स दे चुकी थी, जिसके बाद वो अब बच्चन पांडे की शूटिंग कर रही हैं। वहीं इन दिनों की हीरोइंस का मना करने के बाद फिल्म सारा अली खान को ऑफर हुई, मगर ड्रग्स केस में नाम आने के कारण मेकर्स ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और बाद में फिल्म जा पहुंची तारा सुतारिया के पास। लेकिन इस फिल्म की हीरोइन के प्रॉब्लम्स खत्म होने के जैसे नाम ही नहीं दे रहे। साजन आर्यवाला तारा सुतारिया पर बहुत कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे उनकी फिल्म तड़प के कुछ सीन्स देखने के बाद, और उन्हें तारा का हुनर और मेहनत पर विश्वास था, और तारा भी फिल्म को शूट करने में काफी दिलचस्पी दिखा रही थी। मगर अब लग रहा है कि तारा वाकई में फिल्म को समय नहीं दे पा रही है। हाल ही में फैशन डिजाइनर अर्पिता मेहता के फैशन इंडस्ट्री में 25 साल पूरे हुए हैं, और उनके सम्मान में उनके लिए एक ट्रिब्यूट फोटोशूट के लिए तारा काफी बिजी थी।
इसमें तारा के हाफ साड़ी में फॉरेन लोकेशंस के बीच पर शूट करती वो नजर आई थी। काफी डिफिकल्ट फोटो शूट था और इसमें काफी वक्त लग गया तारा को। ऊपर से फिर तरब के रिमेनिंग पार्ट शूट करने के लिए वक्त लगा और तरब की डबिंग भी बाकी थी। सोशल मीडिया पर दोस्तों आपने तो देखा होगा कि तारा सुतारिया का कपूर खानदान के साथ बढ़ रहा है संपर्क, क्योंकि वो डेट कर रही हैं रणबीर कपूर और करीना कपूर के कजन आदर जैन को, और हाल ही में कपूर खानदान में भी बहुत से हादसे देखने को मिले। कपूर खानदान के छोटे बेटे यानी कि आदर जैन के मामा राजीव कपूर का अभी देहांत हुआ और आदर जैन के भाई अरमान जैन को भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने अरेस्ट किया। तो ऐसे मुश्किल वक्त में तारा कपूर खानदान के साथ रहना चाहती थी और इसलिए उनके काम में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो रहा था। देखते हैं कि हीरोपंती 2 को आखिर कब प्राप्त होने वाली है स्मूदी फिल्म शूट करने का सौभाग्य। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए ऐसे ही कुछ और नई खट्टी मीठी गॉसिप्स और अपडेट्स ले लिए। तब तक अलविदा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जो मैं कर रहा हूं वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। भाई जैसे पता चला तू आया तो देख मैं खुद तेरे स्वागत के लिए आ गया। चूज कर क्या खाएगा ये खाएगा। क्या तारा बॉलीवुड की पहली एक्ट्रेस सिंगर बनेंगी? क्या तारा फिल्म हीरोपंती 2 से बनेंगी बॉलीवुड की पहली सेलेना गोमेज? जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों हमने आपको बताया था कि तारा सुतारिया हीरोपंती 2 से अपनी सिंगिंग डेब्यू करने वाली है बॉलीवुड में। हॉलीवुड में अब तक कई एक्ट्रेसेस ने सिंगिंग में भी डबल किया है। अब तक हॉलीवुड की कई टॉप फुल फ्लेश्ड एक्ट्रेसेस जैसे मेरिल स्ट्रीप ने अपनी फिल्मों में गाना गाया है। फिर इंटरनेशनल पॉप स्टार्स लेडी गागा, रियाना और सेलेना गोमेज ने एक्टिंग में भी अपनी प्रतिभा दिखाई है। लेडी गागा ने अ स्टार इज बॉर्न में इतनी अच्छी तरह से अपना किरदार को निभाया था कि उन्हें उस साल ऑस्कर्स में बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। सेलेना गोमेज ने मशहूर डायरेक्टर वुडी एलन के साथ फिल्म अ रेनी डे इन न्यूयॉर्क के साथ बिहेविंग बैडली, द बिग शॉट जैसी कई फिल्मों में भी काम किया है। रियाना ने भी यूजली सक्सेसफुल ओशन फ्रेंचाइज की ओशन 8 में काम किया है जिसमें उनके साथ एक और लेजेंडरी एक्टर हेलेना बोहमन कार्टर थी जिन्होंने भी द क्राउन में गाना गाया है। बात बॉलीवुड की करें तो बॉलीवुड भी कुछ कम नहीं है। लता मंगेशकर ने हिंदी फिल्मों में अपना करियर एक्ट्रेस के रूप में शुरू किया था और बाद में सिंगर बनी। बॉलीवुड के यस्टरडेज सुपरस्टार सुरैया एक्टिंग के साथ साथ सिंगिंग की फील्ड में भी फेमस थी। बात 80s की करें तो तब की टॉप स्टार श्रीदेवी ने अपनी सुपरहिट फिल्म चांदनी में रंग भरे बादल से गाना गाया था जो कि आज तक बहुत मशहूर है। फिल्म भूतनाथ में जूही चावला ने भी एक गाना गाया है। माधुरी दीक्षित ने भी गुलाब गैंग में सिंगिंग डेब्यू करने के बाद लॉकडाउन में अपना सिंगल कैंडल रिलीज किया है। बात तारा सुतारिया की कंटेम्प्रेरीज की करें तो आलिया भट्ट इस लाइन में सबसे आगे आती हैं। आलिया ने पहली बार अपनी फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में मैं तेनू समझावा गाने से शुरू किया अपना सिंगिंग का सफर, जो बाद में उड़ता पंजाब के एक कुड़ी और बद्रीनाथ की दुल्हनिया के हम सफर और सड़क 2 का तुमसे ही के साथ कंटिन्यू रहा। आलिया के साथ ही श्रद्धा कपूर ने भी आशिकी 2 में एक सिंगर का रोल प्ले करने के बाद एक विलन में गलियां और स्ट्रीट डांसर का बेजुबान ट्रैक्स रिकॉर्ड किए थे। सोनाक्षी सिन्हा ने भी 2015 में आज मूड इश्क ओलिक है में सिंगिंग ट्राई किया था और श्रुति हसन भी कई गाने साउथ और हिंदी इंडस्ट्रीज में गा चुकी हैं। प्रियंका चोपड़ा ने इस पीढ़ी में सबसे पहले अपना इंटरनेशनल एल्बम एक्सोटिक पिटबुल के साथ करने के बाद इन माय सिटी गाना भी गाया जिसको बहुत अटेंशन मिला था। इसी के बाद प्रियंका को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली और अब वो कई मेनस्ट्रीम हॉलीवुड फिल्में कर रही हैं।
और अब तारा सुतारिया भी चाहती हैं कि उनकी सिंगिंग दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे। तो अपने सिंगिंग डेब्यू के बाद उनको इन सारी हीरोइंस के साथ कंपेयर जरूर किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें और मेहनत करके इस जाल से निकलकर अपना खुद के स्टाइल में गाना पड़ेगा, जिसके बाद ही वो सिंगर के रूप में मशहूर हो सकती हैं। देखते हैं कौन ज्यादा कामयाब होती हैं, नायिका तारा या गायिका तारा। आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जो मैं कर रहा हूं वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। भाई जैसे पता चला तू आया तो देख मैं खुद तेरे स्वागत के लिए आ गया। चूज कर क्या खाएगा दिखाएगा। क्या हीरोपंती 2 में तारा सुतारिया करने वाली है अपना सिंगिंग डेब्यू? नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राजश्री, स्वागत है आपका बॉलीग्राज स्टूडियोज में। जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए और हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों कोई मशहूर जान कह गए हैं कि हॉलीवुड में हीरो बनने के लिए तुम्हें केवल एक्टिंग आनी चाहिए, मगर बॉलीवुड में एक्टर बनने के लिए तुम्हें एक्टिंग के साथ सिंगिंग और डांसिंग का भी हुनर होने चाहिए। ये बात कितनी सही और कितनी गलत इस पर तो सभी के अलग राय हो सकता है, मगर एक बात तो कही जा सकती है कि हमारे बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस बहुत सारे अलग क्षेत्रों में रंग दिखा चुकी है और इन बहु प्रतिभाशाली एक्ट्रेसेस की लंबी कतार में अब तारा सुतारिया भी शामिल होने वाली है। तारा सुतारिया ने 2018 में करण जौहर द्वारा प्रोड्यूस्ड और पुनीत मल्होत्रा द्वारा डायरेक्टेड स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से डेब्यू किया था। फिल्म ने काफी सक्सेसफुल रही थी, हालांकि फिल्म को क्रिटिक्स ने ज्यादा पसंद नहीं किया था, मगर फिल्म काफी कामयाब रही थी। कुछ कामयाबी टाइगर श्रॉफ की मौजूदगी के वजह से और कुछ फर्स्ट पार्ट के रिकॉल वैल्यू के लिए। कुछ कामयाबी फिल्म में इतने अच्छे डेब्यूटांट्स के परफॉर्मेंस को लेकर वजह से थी तो कुछ फिल्म के स्टोरी के लिए, मगर इस फिल्म से डेब्यू करने वाले सारे एक्टर्स अपने करियर में अभी काफी आगे निकल गए हैं। फिल्म की जो दो लीड हीरोइंस थी अनन्या पांडे और तारा सुतारिया, अनन्या पांडे को अपनी दूसरी फिल्म पति पत्नी और वो पहली फिल्म के रिलीज के वजह से मिल गई थी और अब वो लिगर के साथ शकुन बत्रा की अगली फिल्म में दिखने वाली है। दोनों के दोनों धर्मा फिल्म्स हैं। वहीं तारा सुतारिया को अपनी दूसरी फिल्म मरजामा के साथ साथ फिल्म तड़प और हीरोपंती 2 मिल गई है और उनके स्टूडेंट ऑफ द ईयर के को एक्टर आदित्य सील इंदु की जवानी और वेब शो फितरत में नजर आएंगे। और अभी वापस आते हैं तारा पे। तारा का स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 स्क्रीन डेब्यू नहीं था, उन्होंने पहले डिज्नी पर आने वाले शो द सूट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर के साथ ओए जस्सी भी किया था। उनके पेरेंट्स बचपन से उनको उनकी जुड़वा बहन पिया को परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी की डांसिंग सिंगिंग और ड्रामा में एनकरेज करते थे। इसके नतीजे से एक बार तारा सिडनी ओपरा में भी गाने का मौका पा चुकी है। वो सिंगिंग के साथ बचपन से एक्टिंग की और ज्यादा इंक्लाइंड थी और अपने इंटरव्यूज में कहा कि वो बॉलीवुड में एक सिंगिंग करियर के लिए काफी उत्सुक है। जब वो कॉफी विद करण में आई थी तब करण जौहर ने उन्हें चुरा लिया गाना गाने को कहा। इससे पता चलता है कि तारा ये प्रतिभा से छुपी नहीं है। उन्होंने बहुत खूबसूरती से गाना गाया जिसकी वजह से ट्रेलर लॉन्च पर भी मीडिया के रिक्वेस्ट पर लग जा गले गाना गाया। सिंगिंग के प्रति उनका एक्टिव इंटरेस्ट देखकर उनको अपनी फिल्म दो विलेन में मोहित सूरी ने गाना गाने का मौका दिया। ये सुनकर साजिद नाडियावाड़ा ने तारा से पूछा कि क्या वो इस फिल्म में गाना गाना चाहती है, जिस पर तारा ने खुशी से हामी भरी थी। आज के हमारे स्क्रिप्ट के राइटर है साई श्रेष्ठ दास। तो तारा का बॉलीवुड में सिंगिंग करियर भी होता है शुरू, आपको उनसे क्या उम्मीदें हैं? हमें कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए।
साथ साथ एक क्लास में भी पढ़ते थे और बागी के प्रमोशंस के दौरान कई सारे एक्टर्स की तरह वो माइकल जैक्सन को अपना आदर्श मानते थे। फिल्म मुन्ना माइकल में उनका किरदार मुन्ना रॉय माइकल जैक्सन से प्रेरित था और उनके सम्मान में टाइगर ने पूरी फिल्म में अपने दाहिने हाथ में एक लाल टाई बांधी थी। यहां तक कि फिल्म के गानों के लिए टाइगर ने माइकल के एलए के कोरियोग्राफर से ट्रेनिंग ली थी। टाइगर के मार्शल आर्ट क्लासेस में एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी भी ट्रेन करते थे, हालांकि उनको अपनी पहली फिल्म बहुत बाद में जाकर मिली। टाइगर की बॉडी बिल्डिंग से कई सारे लोग प्रेरित होते हैं, मगर उनके फिटनेस उनके सीनियर एक्टर्स को भी प्रेरणा देती है। फिल्म धूम 3 के लिए आमिर खान को टाइगर श्रॉफ ने ट्रेन किया था और इसके बाद दोनों के बीच रिश्ता इतना गहरा हो गया कि आमिर टाइगर की डेब्यू फिल्म प्रोड्यूस करना चाहते थे, मगर उसके बाद इस पर कोई बात सामने नहीं आई। टाइगर 4 साल की हमारी उम्र में मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग ले रहे हैं और अपने करियर की शुरुआत में वो एक्टिंग से ज्यादा स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड थे। टाइगर ताइक्वांडो में 5th डिग्री ब्लैक बेल्ट होल्डर हैं और WWE के बहुत बड़े फैन भी हैं। WWE का कौन फैन नहीं होता, आप में से भी बहुत सारे लोग WWE के फैंस होंगे। तो चलिए वापस आते हैं इस टॉपिक पर और टाइगर श्रॉफ के बारे में बात करते हैं। टाइगर श्रॉफ भगवान शिवा पर बहुत विश्वास रखते हैं और उनको अपने जीवन का मार्गदर्शक मानते हैं। भगवान शिव की तरह वो भी कर्म में सब कुछ देकर फल में कुछ आशा ना रखने में विश्वास करते हैं। इसलिए अपने डेब्यू फिल्म हीरोपंती के लिए टाइगर ने 3 साल ट्रेन किया था और सारे स्टंट्स उन्होंने खुद ही परफॉर्म किए थे। अक्सर उनकी माँ आयशा श्रॉफ परेशान होती हैं कि उनका बेटा इतने बड़े स्टार होने के बावजूद कभी बॉडी डबल यूज नहीं करता या VFX का सहारा नहीं लेता, बल्कि अपने स्टंट्स खुद परफॉर्म करता है। क्या आप भी हमारी तरह टाइगर की मेहनत और लगन से उनके दीवाने बन गए हैं? आपको क्या लगता है, इस साल रैम्बो, हीरोपंती 2 और बाघी 4 एक साथ शूट करते करते टाइगर अपने स्टंट्स खुद कर पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो की स्क्रिप्ट साई श्रेष्ठ दास ने लिखी है। शुक्रिया। जो मैं कर रहा हूं वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। भाई जैसे पता चला तू आया तो देख मैं खुद तेरे स्वागत के लिए आ गया। चूज कर क्या खाएगा। क्या यूरोप में नहीं हो पाएगी अब हीरोपंती 2 की शूटिंग? आखिर मेकर्स ने अपना ये प्लान क्यों बदल डाला? क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जैक। सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती 2 को लेकर चर्चा है और काफी टाइम से चर्चा है, क्योंकि साजिद नाडियाडवाला ने पिछले साल ही इसकी अनाउंसमेंट कर दी थी और लेकिन कोविड हो गया उसके चलते इसका शूट जो है वो कंटिन्यू नहीं रख पाया, वरना इसी साल 16 जुलाई को इसे रिलीज किया जाना था, लेकिन अब शूटिंग डेट्स भी टल चुकी है। वहीं इस फिल्म के लिए कहा जा रहा था कि दुनिया के अलग अलग देशों में इसकी शूटिंग की जाएगी, जिसमें से यूरोप एक था, लेकिन एक बार फिर से कोविड के चलते इस फिल्म की शूटिंग को फर्क पड़ा है, क्योंकि यूरोप में इस वक्त यूरोप के कई देशों में कोरोना का संक्रमण लगातार दिख रहा है और खतरा बना हुआ है, इसकी वजह से यूरोप को छोड़ दिया गया है। सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक साजिद नाडियाडवाला किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते। और इससे पहले खबर आई थी कि इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ के अपोजिट तारा सुतारिया नजर आने वाली है, जो कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में भी उनके अपोजिट नजर आई थी, लेकिन हीरोपंती जो पहली वाली थी उसमें कृति सैनन नजर आई थी और टाइगर और कृति की जोड़ी को खूब सराहा गया था, लेकिन इस बार तारा सुतारिया अगर
टाइगर के पॉल्स पर नजर आती है तो एक फिर से फ्रेशनेस लाएगा हीरोपंती फ्रेंचाइजी में। वर्ल्ड फ्रंट की बात करें तो इसके अलावा अभिनेता फिल्म गणपत को लेकर चर्चाओं में है। इस फिल्म को लेकर स्टार कास्ट का ऐलान भी हो चुका है। इसमें कृति सैनन नजर आने वाली है। टाइगर श्रॉफ इस फिल्म में अभिनेत्री कृति सैनन के साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगे, जिसका ऐलान कुछ समय पहले ही हुआ है। हीरोपंती 2 की बात करें तो टाइगर ने तो अपनी शुरुआत ही हीरोपंती से की थी, तो बहुत खास फिल्म है क्योंकि वो डेब्यू फिल्म थी टाइगर की। इस फिल्म में टाइगर का डांस हमें दिखा, टाइगर का एक्शन हमें दिखा और इसी से हमें पता चल गया था कि टाइगर जो है वो लंबी रेस के घोड़े हैं। और इस वक्त बॉलीवुड में जितने भी तमाम यंगस्टर हैं उनमें से नंबर 1 पर आते हैं टाइगर श्रॉफ। उनके बॉक्स ऑफिस नंबर देख लीजिए, उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का नंबर देख लीजिए, सब कुछ सुपर्ब होता है। इसीलिए टाइगर श्रॉफ की जो फैन फॉलोइंग है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। टाइगर जल्द ही हीरोपंती 2 के साथ आपके सामने आएंगे। इस साल के एंड में इस फिल्म का शूट हो सकता है, उसके बाद 2022 में ही ये फिल्म रिलीज हो पाएगी। आपको कितना इंतज़ार है हीरोपंती 2 का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज़ को। दोस्तों, क्या हीरोपंती 2 की रिलीज डेट कर दी गई है पोस्टपोन और क्या दर्शकों को करना पड़ेगा एक और साल का इंतजार हीरोपंती 2 को पर्दे पर देखने के लिए? तो स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। तो दोस्तों घबराइए मत, आपको इन सभी सवालों के जवाब कहीं और नहीं मिलेंगे बल्कि हमारे इसी वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए लेके चलती हूं मैं आपको इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए। तो दोस्तों हीरोपंती 2 के लिए टाइगर श्रॉफ के फैंस कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार। फिल्म का पोस्टर रिलीज हो चुका है, कास्टिंग भी डिसाइड की जा चुकी है और अगर अब कुछ बाकी है तो वो है फिल्म की रिलीज। दोस्तों इस फिल्म को 16 जुलाई 2021 में रिलीज करवाने की अनाउंसमेंट की गई थी और सारे फैंस इसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब फिल्म की शूटिंग अक्टूबर 2020 से तो शुरू ही की गई थी और फिल्म को करीब 12 देशों में शूट किया गया है। फिल्म की शूटिंग अब तक खत्म नहीं हुई है और क्योंकि ये एक बिग बजट फिल्म है तो इसके लोकेशंस, स्टंट और एक्शन सीन्स को स्मूथ करने के लिए हैवी वीएफएक्स और एडिटिंग की जरूरत पड़ सकती है, तो इसलिए फिल्म को जुलाई 16 तक रिलीज करना मुश्किल हो सकता है। मगर फिल्म की रिलीज डिले करने का ये प्रमुख कारण नहीं है, इसका मुख्य कारण है उसी दिन सिनेमाघरों में एक और फिल्म रिलीज होना। किसी बड़े बॉलीवुड स्टार की नहीं बल्कि कोई हॉलीवुड फिल्म भी नहीं बल्कि वो तो है एक साउथ इंडियन फिल्म का सीक्वल। जी हाँ, एक साउथ इंडियन फिल्म, एक कन्नड़ फिल्म जो इस बार हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम में भी डब करके रिलीज की जाएगी। फिल्म की रिलीज की डेट 16 जुलाई तय की जा चुकी है। इस फिल्म के पोस्टर के साथ फिल्म का टीजर भी आ चुका है और टीजर ने रिलीज होने के 24 घंटों
में ही यूट्यूब पर 76 मिलियन व्यूज गैदर कर लिए थे। इस फिल्म का पहला पार्ट भी हिंदी, तेलुगु और तमिल में बनाया गया था और फिल्म के सेकेंड पार्ट के लिए भी तब से लोगों के दिलों में उत्सुकता है। KGF चैप्टर 2 के साथ कोई फिल्म टक्कर लेना नहीं चाहती है और इसलिए कोई भी फिल्म इस फिल्म की डेट्स के आसपास रिलीज नहीं की जा रही है। फिल्म को हिंदी के लिए एक्सेल एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे बाहुबली फ्रेंचाइज को धर्मा प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया था। एक्सेल ने अब तक दिल धड़कने दो, जिंदगी न मिले की दोबारा और गली बॉय जैसी फिल्में रिलीज की हैं। तो ये पार्ट भी काफी मजेदार होने वाला है, इसमें कोई शक तो नहीं है। तो इस बार साजिद नाडियावाला जैसे सीनियर प्रोड्यूसर भी KGF चैप्टर 2 के साथ टक्कर लेने से डर गए हैं और इसलिए पोस्टपोन करने की सोच रहे हैं अपनी फिल्म हीरोपंती 2 को। अब देखते हैं क्या अंजाम होता है हीरोपंती 2 का। आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आती है ना तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही अपडेट्स मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, हमारे आज के राइटर हैं श्रेष्ठ दास, तो बने रहिए हमारे साथ कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए। अब लगता हो जाओ बताया तो जाए आगे क्योंकि लगे छो सच हीरोपंती 2 से तारा सुतारिया बनने वाली हैं बॉलीवुड की अगली एक्शन हीरोइन या हीरोपंती 2 में टाइगर ले जाएंगे सारा लाइमलाइट? इस पर हमारे पास है आपका जवाब जानना चाहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज में। तो चलिए इन सवालों का जवाब देते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हीरोपंती 2 के लिए फैंस हैं कई महीनों से उत्सुक, स्पेशली जब टाइगर श्रॉफ ने फिल्म का पोस्टर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाला था। टाइगर श्रॉफ के फैंस ने एडिट्स और मैसेजेस के साथ सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। ऐसे में देखना ये बाकी है ये एक्शन फिल्म को जब फ्रेंचाइजी के दौर पर आएगा और लाया जा रहा है तो फिल्म मेकर और क्रिएटिव टीम का विजन कितना आगे जाता है इस फिल्म में। एक बात तो पक्की है, टाइगर श्रॉफ एक हाई ऑक्टेन एक्शन पंचेस किक्स और स्टंट्स जिसे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल तो मचाने वाली है। फिर जब फिल्म इतने सारे फॉरेन लोकेशंस पर शूट की जाती है तो फिल्म का विजुअल अपील भी बढ़ने वाला है। तो ऐसे में ये भी देखना बाकी है कि क्या फिल्म की हीरोइन भी सिर्फ एक विजुअल अपील बन के रह जाएगी। 4 सीन्स और 4 गानों के अलावा उनका भी फिल्म की कहानी में कोई योगदान होगा, और भी अच्छा होगा अगर फिल्म के एक्शन क्वेश्चन में भी उनका योगदान रहे। सुनने को मिला है कि फिल्म में पहले कैटरीना कैफ या जैकलिन फर्नांडिस को लेने का फैसला किया गया था, मगर दोनों दूसरे प्रोजेक्ट्स के साथ बिजी होने की वजह से ये फिल्म नहीं कर पाई। और इन्हीं दोनों एक्ट्रेसेस को फिल्म इसलिए ऑफर की गई थी क्योंकि दोनों ही अब की जनरेशन की फिल्मों में हीरो के साथ एक्शन करते हुए देखी जा चुकी हैं। बॉलीवुड में एक्शन हीरोइंस पहले भी रह चुकी हैं और 1940s के दौर में जब भारत गणतंत्र की ओर बढ़ रहा था तब उस समय की सबसे बड़ी एक्ट्रेस फियरलेस नाडिया थी जो अपनी फिल्मों में खतरनाक एक्शंस करते हुए नजर आती थी और उससे हम सबका दिल जीत लेती थी। तो दोस्तों, कंगना की फिल्म रंगून उनके एक जीवन पर आधारित है। अब तो ये कह जा सकता है कि हॉलीवुड की वंडर वुमैन से पहले बॉलीवुड की फियरलेस नाडिया ने एक्शन करके दिखाया था, मगर फिर ये काम कम होने लग गया। अब 80s में भी रेखा और श्रीदेवी जरूर कभी कभी चाकू लेकर विलेन को सबक सिखा जाती थी। फिर जोधा अकबर और जज्बा में ऐश्वर्या राय भी एक्शन करती नजर आई थी, मगर इसके अलावा और कुछ नहीं। फिर हॉलीवुड में वंडर वुमन, ब्लैक विडो जैसे सुपर हीरोइंस मशहूर हुई। और हाल ही
में ही कैटरीना और जैकलिन टाइगर जिंदा है और रेस 3 में एक्शन करती नजर आई थी, जो कि उनका एक्शन हमने आपने सबने बहुत पसंद किया था और सबने उसको खूब सराहा भी था। तो उनके फिल्म ना करने के बाद मेकर्स स्क्रिप्ट चेंज करने वाले थे, क्योंकि वो किसी और एक्ट्रेस पर दाव नहीं लगाना चाहते थे और स्क्रिप्ट में फिर से टाइगर ही एक्शन करते नजर आने वाले थे। कि साजिद नाडियावाला बीच में आए और बोले कि किसी ने पहले नहीं किया का मतलब ये नहीं कि कभी नहीं कर सकती। तो स्क्रिप्ट को वैसा ही रखा गया और फिर सारा के बाद तारा सुतारिया को ऑफर की गई फिल्म हीरोपंती 2। तारा अब तक सिंगिंग और एक्शन के लिए मशहूर थी और इस फिल्म से उन्होंने एक्शन करने का पंगा ले लिया है और अपने लुक्स के साथ साथ अगर तारा एक्शन भी अच्छे से मैनेज कर लेती हैं तो शायद वो बॉलीवुड की अगली एक्शन हीरोइन बन सकती हैं। उनको टॉप एक्शन हीरोइन बनाने में क्या क्या मुश्किलें आएंगी वो दूसरे एक्ट्रेसेस के रूप में, इसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे। आप आइएगा जरूर जब हम इस बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अब अलविदा लेने का समय आ गया है और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो की स्क्रिप्ट साई श्रेष्ठ दास ने लिखी है। हीरोपंती 2 से साजिद नाडियावाला के हीरोइंस क्लब में तारा सुतारिया हो रही हैं परमानेंटली ऐड और इससे उनके करियर को कैसे कैसे फर्क पड़ सकता है ये जानने के लिए हमारा पूरा वीडियो को देखेगा जरूर, मगर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि साजिद नाडियावाला बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में से एक हैं। 25 साल के करियर में उन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में प्रोड्यूस की हैं और ऑडियंस का हमेशा यादगार फिल्मों से मनोरंजन किया है। साजिद नाडियावाला की फिल्में में 90s में नीलम, रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी प्रमुख हीरोइंस हुआ करती थी। फिर जब दौर आया 2000 का तब उनकी चहेती हीरोइन बनी कैटरीना, दीपिका और लारा दत्ता। मगर उनकी हीरोइन में ये सबसे कामयाब अगर कोई उनके बैनर के अंडर हुई है तो वो है जैकलिन फर्नांडिस। दोस्तों साजिद के साथ जैकलिन का पुराना संबंध है। हाउसफुल के पहले पार्ट में उन्होंने एक आइटम सॉन्ग किया था जिससे वो खूब मशहूर हुई। फिर उन पर कॉन्फिडेंस रख के जैकी को साजिद ने हाउसफुल 2 में 4 हीरोइन में से एक लिया। फिर जब हाउसफुल 3 में से 4 से 3 हीरोइन बन गई तब अक्षय कुमार और रितेश देशमुख के अलावा सिर्फ जैकी ही थी जो पुरानी कास्टिंग में से थर्ड पार्ट में रिटेन हुई। हालांकि फोर्थ इंस्टॉलमेंट में नहीं थी, मगर फिर साजिद के डेब्यू डायरेक्शनल किक में हीरोइन के तौर पर सलमान के ऑपोजिट भी जैकी ही थी। अभी किक का दूसरा पार्ट आने वाला है और उसमें भी जैकी नजर आएंगी। तो एक तरह से जुड़वा 2 के अलावा जैकी की सारी हिट फिल्में साजिद के साथ रह चुकी हैं और जैकी के कामयाब करियर के कर्ता धर्ता साजिद हैं।
फिर हीरोइन कृति सेनन भी अपना डेब्यू हीरोपंती के साथ करने के बाद हाउसफुल 4 और अब बच्चन पांडे में दिखेंगी, जो काफी बड़ी फिल्म है साजिद नाडियावाला के द्वारा। अभी इस क्लब में तारा सुतारिया की एंट्री हो रही है। तारा ने सुनील शेट्टी के बेटे के ऑपोजिट फिल्म RX 100 के रीमेक में अच्छा काम किया और जब हीरोपंती 2 को लास्ट मिनट ऑफर हुई तो साजिद उन पर कॉन्फिडेंट थे, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि तारा का भविष्य भी जैकी और कृति की तरह ब्राइट है। आपको क्या लगता है, इस पैटर्न से जीत पाएगी तारा लोगों का दिल या आपका दिल? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ अगली वीडियो तक। हीरोपंती 2 से तारा सुतारिया को बॉलीवुड की अगली टॉप एक्शन हीरोइन बनने से आखिर कौन रोक सकती है? इस मुद्दे पर वीडियो बनाने के लिए हमने आपको वादा किया था और लो हाजिर हैं हम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। हमने आपको पहले बताया था कि कैसे इस फिल्म के ओरिजिनल स्क्रिप्ट में हीरो के साथ हीरोइन के लिए भी एक्शन सीन्स लिखे गए थे, मगर जब इस जनरेशन की दो टॉप एक्शन हीरोइंस यानी कि कैटरीना कैफ और जैकलीन फर्नांडिस फिल्म के लिए तैयार नहीं हो पाई तो फिल्म से फीमेल लीड एक्शन सीन्स हटा दिए जाने वाले थे, मगर तब साजिद नाडियाडवाला ने तारा सुतारिया पर भरोसा रख के फिल्म में एक्शन सीन्स को बरकरार रखा। इस तरह से तारा सुतारिया को इस फिल्म में कुछ दमदार एक्शन सीक्वेंसेस करने को मिलेंगे। इससे एज एन एक्ट्रेस भी उनका रेंज काफ़ी एक्सपैंड होने वाला है। इस साल कई फीमेल लीड रिलीजेज आ रही हैं, उनमें से कुछ है कंगना रनौत की धाकड़, थलाइवा और तेजस, विद्या बालन की शेरनी, सोनम कपूर की ब्लाइंड, परिणीति चोपड़ा की द गर्ल ऑन द ट्रेन और तापसी पन्नू की लूप लपेटा। फिर अगले साल 2022 में श्रद्धा कपूर की नागिन ट्रायोलॉजी और दीपिका पादुकोण की फाइटर भी इस रेलगाड़ी पर सवार है। तारा को जरूर टाइगर के साथ मैच करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तारा इस फिल्म में टाइगर के साथ एक इंटरनेशनल ट्रेनर के साथ एक्शन सीक्वेंसेस करने वाली है। इस फिल्म से उनको देखने के लिए ऑडियंसेस को एक अलग नजरिया मिल जाएगा। मगर एक मिनट, कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ आ रही है इस साल 1 अक्टूबर को। इस फिल्म के लिए ऑडियंस में काफ़ी उत्सुकता देखने को मिल रही है। कंगना खुद कहती हैं कि इस फिल्म से वो बॉलीवुड की पहली एक्शन हीरोइन होने वाली है। उन्होंने तो खुद को हाल ही में मेरिल स्ट्रीप से बेहतर एक्टर कहा है और ये भी कहा कि जब मिशन इम्पॉसिबल के ट्रेनर उनको मणिकर्णिका के लिए ट्रेन कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि कंगना एक नेचुरल एक्शन स्टार है और टॉम क्रूज से भी बेहतर एक्शन कर सकती है। जब कंगना ने अपने आप पर इतना भरोसा किया है तो हम आशा करते हैं कि फिल्म और एक्शन सीक्वेंसेस दोनों ही दमदार होंगे। दोस्तों, कैटरीना कैफ, जी हाँ, अली अब्बास जफर की फिल्म टाइगर जिंदा है में वो एक्शन करती नजर आई थी। इस बार अली अब्बास जफर उनके साथ एक फीमेल सुपर हीरो फिल्म कर रहे हैं जिसका नाम अभी तक के लिए सोल्जर रखा गया है। फिल्म शायद 2022 तक रिलीज होगी। फिर यशराज फिल्म की टाइगर 3 भी है जिसमें वो एक्शन करती नजर आ सकती हैं। टाइगर 3 शायद इस साल के अंत में ही रिलीज हो जाएगी। क्या हमने आपको पठान के बारे में बताया था? जी हाँ, मगर इस बार शाहरुख खान की नहीं बल्कि दीपिका पादुकोण की बात करेंगे। दीपिका पादुकोण पठान में खतरनाक एक्शन सीन्स के लिए शूटिंग कर रही हैं और फिर सिद्धार्थ आनंद की ही फिल्म फाइटर आ रही है जिसमें वो एक्शन कर सकती हैं और फिर धूम 4 में भी अभिनेत्री एक विलन के रूप में दिखाई दे सकती है। दोस्तों, जब सामने हो कंगना, कैटरीना और दीपिका जैसी शतरंज के खिलाड़ी तो क्या नई नई इंडस्ट्री में आई तारा अपने आप को एक एक्शन हीरोइन के तौर पर साबित कर पाएंगी, ये तो टाइम ही बताएगा। खैर, आपके इस फिल्म के बारे में क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज के स्क्रिप्ट राइटर हैं सहश्रेष्ठ दास, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।
पता है तुझे आगे लाया, क्योंकि इधर कोई झूठ नहीं बोलता। सच कह रहा हूं। हीरोपंती 2 तारा सुतारे जैसे नए चेहरे के लिए एक आइडल मूवी है, या ये कहें कि मूवी सिर्फ एक डेब्यूटेंट के लिए सही है? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में तहे दिल से स्वागत है, और मैं हूँ अनुष्का त्यागी। तो दोस्तों, हमको मालूम है कि इस फिल्म से जब कृति सानन ने 2014 में डेब्यू किया था, तब उनको आसानी से एक वन फिल्म वो देकर फ्लॉप घोषित कर दिया गया था। उनके फैंस थे जरूर, मगर इंडस्ट्री और ऑडियंस एक एक्टर को अलग नजरिए से देखती है। इसके बाद वो 2016 में दिलवाले में दिखी, जिसमें उनका कोई खास रोल तो था नहीं। फिर कई सारे पापड़ बेलने के बाद फिल्म बरेली की बर्फी थी, जिसमें लोगों ने उनको पहली बार एक अभिनेत्री के हिसाब से देखा। उसके बाद वो अपने पहले प्रोड्यूसर के साथ वापस हाउसफुल में काम करने लगी, और अब उनकी अपकमिंग फिल्म बच्चन पांडे में भी दिखेंगी, जहां आलिया भट्ट अपनी दूसरी फिल्म हाईवे में सोलो लीड कर रही थी। कृति को ये हासिल करने में पूरे 6 साल लग गए। उनकी अगली फिल्म मिमी में उनका सोलो लीड है। तो दोस्तों, एक बड़ी फिल्म हीरोपंती, जिसको नाडियावाला एंड ग्रैंडसन जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउस ने बैक किया था, उसमें उनके अभिनय का कोई स्कोप नहीं था, और इसी कारण उनको लग गए इतने साल एक सोलो लीड करने में। मगर दोस्तों, हीरोपंती 2 से तारा सुतारिया अपनी डेब्यू नहीं बल्कि फोर्थ फिल्म कर रही हैं। जी हाँ दोस्तों, कृति ने डेब्यू एक बड़ी फिल्म से की, लेकिन नॉट सो मिटी रोल से किया था। उनसे किसी को कोई हाई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, और इसीलिए वो बाद में अपने हुनर का जलवा दिखा सकी। मगर जब बात करें तारा की, तो तारा ने जब धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से डेब्यू किया था, तब उनको कृति के डेब्यू टाइम से भी ज्यादा फैन बेस मिल गया था। और फिर ठीक अगले साल सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ मर जावा में एक म्यूट लड़की का रोल करके उन्होंने ऑडियंस का दिल जीत लिया था। फिर साजिद नाडियावाला की फिल्म तड़प है, जिसमें तारा फिल्म की अकेली स्टार है डेब्यूटेंट अहान शेट्टी के ऑपोजिट, यानी कि फिल्म की सक्सेस उनके कंधों पर है। तो आपको क्या लगता है कि तारा सुतारिया का ये हाल होने वाला है? क्या हीरोपंती 2 करके तारा सुतारिया भी मर रही है अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी? राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और जी हाँ दोस्तों, हमारे आज के राइटर हैं श्रेष्ठ दास, तो बने रहिए हमारे साथ हमारी अगली वीडियो तक के लिए। धन्यवाद। जो मैं कर रहा हूँ वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। भाई जैसे पता चला तू आया तो देख, मैं खुद तेरे स्वागत के लिए आ गया। चूज कर, क्या खाएगा? ये खाएगा बस। हीरोपंती 2 यूथ का क्या संदेश देगी? हीरोपंती 2 किसकी रीमेक होगी? टाइगर श्रॉफ ने अपने खुद के पिता जैकी श्रॉफ को फिल्मों की रीमेक क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्यों उन्हें अपने डैड के साथ तुलना करना नहीं पसंद? बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, और आप जुड़ चुके हैं अपनी होस्ट प्रशा के साथ। जय हेमंत श्रॉफ।
जो टाइगर श्रॉफ के नाम से जाने जाते हैं, सीनियर एक्टर जैकी श्रॉफ के बेटे हैं। टाइगर श्रॉफ हर फिल्म के दौरान अपनी छाप छोड़ जाते हैं। उनकी फिल्में यूथ को बहुत प्रेरणा देती हैं। और फिर चाहे हम बागी की बात कर रहे हों या मुन्ना माइकल की, बच्चों में टाइगर का एक अलग ही क्रेज देखा गया है। टाइगर एक अच्छे डांसर, मार्शल आर्टिस्ट के साथ साथ गायक भी हैं। टाइगर का हमेशा से एक्टिव और एनर्जी से फुल दिखना लोगों में टाइगर की लोकप्रियता को बढ़ाता है। जहां एक तरफ हीरोपंती की बात करें तो यह फिल्म आजकल की जनरेशन की लव स्टोरी पर बेस थी, वहीं मुन्ना माइकल डांस पे बेस थी और वॉर, बागी, रैम्बो, द फ्लाइंग जट जैसी एक्शन थ्रिलर फिल्म हैं। हीरोपंती एक तेलुगु फिल्म पर रागू की हिंदी रीमेक है। फिल्म की स्टोरी बिल्कुल सेम है। तेलुगु फिल्म परागु में लीड एक्टर अल्लू अर्जुन और एक्टर्स शीला कौर थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी। हीरोपंती 2 के डायरेक्टर अहमद खान ने जानकारी दी थी कि हीरोपंती 2 तेलुगु फिल्म गुड़ाचारी की हिंदी रीमेक होगी। फिल्म की कहानी एक गोपी नामक रॉ एजेंट से शुरू होती है। रॉ में शामिल होने के बाद गोपी रॉ के 2 अधिकारियों को मारने की साजिश में फंस जाता है और उसे एक भगोड़ा आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। गोपी खुद को निर्दोष साबित करने के लिए दोषियों को खोजने का संघर्ष करता है। बॉलीवुड हमेशा से राजी, एजेंट विनोद, रोमियो अकबर वॉल्टर, बेबी, मद्रास कैफे, टाइगर जिंदा है जैसी स्पाई थ्रिलर फिल्म बनाती रही है और हिट भी गई है। वहीं दूसरी तरफ टाइगर श्रॉफ पहली बार बड़े पर्दे पर रॉ एजेंट के किरदार में नजर आएंगे। टाइगर श्रॉफ वो एक्टर हैं जो अपनी डांसिंग, स्लाइड, डायलॉग्स और एक्शन की वजह से जाने जाते हैं। निश्चित रूप से टाइगर अपनी फिल्मों में खुद ही एक्शन करना पसंद करते हैं, जो आजकल दिखना नामुमकिन सा हो गया है। वहीं अगर आजकल के एक्शन सीन की बात करें तो या तो स्टंट परफॉर्मर परफॉर्म करते हैं या फिर आर्टिफिशियल डेवलप किया जाता है। उदाहरण के तौर पर साउथ इंडियन मूवीज ले सकते हैं, जिसमें एक्टर विलन को मार के उड़ा देता है और विलन उड़ते ही जा रहा है। नई जनरेशन इसे पसंद भी करती है, लेकिन वही ओल्ड जनरेशन नहीं करती। एक्शन सीन फिल्म का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिस पर पूरी फिल्म निर्धारित होती है। दर्शकों को हीरो और विलन की फाइट देखने में बहुत मजा आता है। स्पाई फिल्में ज़्यादातर रियल स्टोरी पे बेस्ड होती हैं, जैसे आलिया भट्ट की राजी, जो एक महिला रॉ एजेंट की कहानी है, जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान भिजा दी जाती है, जिसके तहत उसे ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें काम को अंजाम देना होता है। आलिया भट्ट ने अपने किरदार के साथ बखूबी इंसाफ किया। लोगों ने आलिया को सिर्फ लीड एक्टर के तौर पर नहीं, बल्कि अच्छी अभिनेता के तौर पर भी एक्सपेक्ट किया। इस फिल्म को टाइटल सॉन्ग भी है, जो दर्शकों द्वारा काफ़ी पसंद किया गया। जिस तरह टाइगर को डांस और स्टंट करते देखा गया है, उसी तरह आलिया को हमेशा से रोमांटिक किरदारों में देखा गया है। पर राजी में आलिया भट्ट ने खुद को साबित कर दिखाया। अब टाइगर की बारी है। ये देखा जाना बाकी है कि टाइगर श्रॉफ किस किरदार में खड़े उतर पाएंगे या नहीं। ऑडियंस को टाइगर से बहुत उम्मीदें हैं या उनकी परफॉर्मेंस काम चला होगी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या रंग लाएगी, अब ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। 2015 में आई फिल्म हीरो जैकी श्रॉफ की फिल्म हीरो की रीमेक थी, जिसमें आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली और सुनील शेट्टी की बेटी आथिया शेट्टी थी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसी ही कुछ रोचक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी लिखी है इंद्रजीत कौर ने। धन्यवाद। क्या हीरोपंती 2 में कृति सेनन का कैमियो की जगह उनका एक आइटम सॉन्ग ही डाल दिया गया है? क्या नाराज हुई कृति इस बात से, या ये कृति को शेड्यूल में फिट करने के लिए ही किया गया है? जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि अगली बार जब बॉलीग्रे स्टूडियोज से कुछ अपडेट्स आए आपके फेवरेट हीरोज के बारे में, तब आप सबसे पहले वीडियो देखें। दोस्तों, आपको तो पता है कि माँ अपने हर बच्चे को समान तरह से प्यार करती है, किसी को ज़्यादा और किसी को कम नहीं करती, किसी में कोई अंतर नहीं करती, किसी भी नौबत में ये सच कभी बदलता नहीं है।
एक माँ की तरह ही तो फिल्म हीरोपंती ने दो नए स्टार्स कृति सेनन और टाइगर श्रॉफ को फिल्म इंडस्ट्री में जन्म दिया और उनकी अगली बड़े फिल्में यानी कि टाइगर श्रॉफ के लिए बाघी और कृति सेनन के लिए बरेली की बर्फी जब तक नहीं आई थी। तब तक इसी माँ के सहारे तो इन दोनों ने फिल्म जगत की मुश्किल दुनिया का सामना किया। तो फिर अब जब उस माँ के जीवन का एक नया दौर आने वाला है तो दोनों बराबरी में फिल्म के प्रति अपना योगदान देना चाहते हैं। फिल्म हीरोपंती 2 में पहले हीरो के लिए टाइगर श्रॉफ को लिया गया था। आज टाइगर अपने मेहनत और प्रतिभा के बलबूते पर कितनी ऊंचाई तक पहुंच चुकी है तो उनका इस फिल्म में रहना तो तय था। फिर हीरोइन के लिए कटरीना कैफ को लिया गया था ताकि फिल्म फ्रेंचाइज को और भी बड़ा स्केल मिल जाए एक बड़ी एक्ट्रेस की मौजूदगी से। फिर जब कटरीना के डेट्स मैच नहीं हुए तब साजिद पहुंचे अपनी फेवरेट एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडेस के पास। जैकलिन की डायरी में भी इस फिल्म के लिए जगह नहीं थी। फिर साजिद सारा अली खान को कंसीडर करना चाहते थे मगर सारा के ड्रग कंट्रोवर्सीज के वजह से वो कोलैबोरेशन के लिए आगे नहीं बढ़ पाए। फिर आखिर में टाइगर की सहेली तारा सुतरिया को ये फिल्म मिली और तारा खुशी खुशी फिल्म करने के लिए राजी भी हो गई। मगर इस फिल्म के पहले पार्ट के ओरिजिनल एक्ट्रेस कृति सेनन को फिल्म एक बार भी ऑफर नहीं हुआ और इस बात से कृति हो गई काफ़ी खफा। कृति को लगा कि टाइगर की तरह उन्होंने भी इस फिल्म से समान पॉपुलैरिटी हासिल की थी। उन्हें इस बात का बहुत बुरा लगा और इसलिए इस बात को उन्होंने अपने प्रोड्यूसर साजिद नदियतवाला को कहा जिनके साथ वो काफ़ी करीब है। साजिद ने उनकी बात को समझा और इसलिए उनके लिए एक स्पेशल ट्रैक डाला फिल्म में। मगर अब जैसे कृति के पास इसके लिए भी डेट्स नहीं मिल रहे। इस साल कृति फिल्म्स बच्चन पांडे मिमी भेदिया के साथ साथ आदि पुरुष में भी दिख सकती है। तो आप कृति को एक आइटम सॉन्ग या स्पेशल सीक्वेंस किस में देखना पसंद करेंगे हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। हीरोपंती 2 इज द सीक्वल टू टाइगर श्रॉफ रिवर्स सुपरहिट एक्शन रोमांटिक ड्रामा हीरोपंती विच स्टार्ड कृति सेनन अलोंग विद टाइगर। हीरोपंती 2 हैज तारा सुतरिया ऑपोजिट टाइगर एंड प्रॉमिसेस टू प्रोवाइड बोथ द एक्टर्स एनफ स्कोप टू प्रूव देयर एथलेटिक मेटल। एंट्री करने वाले टाइगर श्रॉफ का असली नाम क्या है? उनकी कौन सी कलाकार बचपन में उनके साथ स्कूल में पढ़ती थी? उनके कुछ ऐसे ही अनसुने किस्से लेकर हम आए हैं आज इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टाइगर श्रॉफ ने 2014 से बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री की थी मगर ये विश्वास करने में मुश्किल नहीं होगी कि उनको अपने फिल्मी करियर शुरू करने के लिए काफी तैयारियां करनी पड़ी। रेगुलर डांस क्लासेस जाने के साथ साथ मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी लेते थे टाइगर। टाइगर बचपन से स्कूल में स्पोर्ट्स और ड्रामा में इंटरेस्ट रखते थे तो जाहिर सी बात है कि बड़े होने के बाद वो भी अपने पिताजी के फुटस्टेप्स का अनुसरण करने वाले थे। उनका नाम जय हेमंत श्रॉफ रखा गया था मगर फिर जैकी श्रॉफ को लगा कि उनका बेटा हर चीज को काटता रहता है, इसलिए उसका नाम उन्होंने टाइगर रख दिया। बाद में बचपन में टाइगर और श्रद्धा कपूर एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वो दोनों एक स्कूल के साथ साथ एक क्लास में भी पढ़ते थे और बागी के प्रमोशंस के दौरान टाइगर ने खुलासा किया कि बचपन में उनका श्रद्धा पे क्रश था। टाइगर बॉडी बिल्डिंग में बचपन से ही इंटरेस्ट रखते थे और उनके जनरेशन के स्टंट्स उन्होंने खुद ही परफॉर्म किए थे। अक्सर उनकी माँ आयशा श्रॉफ परेशान होती हैं कि उनका बेटा इतने बड़े स्टार होने के बावजूद कभी बॉडी डबल यूज नहीं करता या VFX का सहारा नहीं लेता बल्कि अपने स्टंट्स खुद परफॉर्म करता है। क्या आप भी हमारी तरह टाइगर की मेहनत और लगन से उनके दीवाने बन गए हैं? आपको क्या लगता है इस साल रैम्बो, हीरोपंती 2 और बाघी 4 एक साथ शूट करते करते टाइगर अपने स्टंट्स खुद कर पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो की स्क्रिप्ट साई श्रेष्ठ दास ने लिखी है। शुक्रिया।
शांति से बॉलीवुड में एंट्री करने वाले टाइगर श्रॉफ का असली नाम क्या है? उनकी कौन सी कलाकार बचपन में उनके साथ स्कूल में पढ़ती थी? उनके कुछ ऐसे ही अनसुने किस्से लेकर हम आए हैं आज इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टाइगर श्रॉफ ने 2014 से बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री की थी, मगर ये विश्वास करने में मुश्किल नहीं होगी कि उनको अपने फिल्मी करियर शुरू करने के लिए काफी तैयारियां करनी पड़ी। रेगुलर डांस क्लासेस जाने के साथ साथ मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी लेते थे टाइगर। टाइगर बचपन से स्कूल में स्पोर्ट्स और ड्रामा में इंटरेस्ट रखते थे, तो जाहिर सी बात है कि बड़े होने के बाद वो भी अपने पिताजी के फुटस्टेप्स का अनुसरण करने वाले थे। उनका नाम जय हेमंत श्रॉफ रखा गया था, मगर फिर जैकी श्रॉफ को लगा कि उनका बेटा हर चीज को काटता रहता है, इसलिए उसका नाम उन्होंने टाइगर रख दिया। बाद में बचपन में टाइगर और श्रद्धा कपूर एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वो दोनों एक स्कूल के साथ साथ एक क्लास में भी पढ़ते थे और बागी के प्रमोशंस के दौरान टाइगर ने खुलासा किया कि बचपन में उनका श्रद्धा पे क्रश था। टाइगर बॉडी बिल्डिंग में बचपन से ही इंटरेस्ट रखते थे और उनके जनरेशन के कई सारे एक्टर्स की तरह वो माइकल जैक्सन को अपना आदर्श मानते थे। फिल्म मुन्ना माइकल में उनका किरदार मुन्ना रॉय माइकल जैक्सन से प्रेरित था और उनके सम्मान में टाइगर ने पूरी फिल्म में अपने दाहिने हाथ में एक लाल टाई बांधी थी। यहां तक कि फिल्म के गानों के लिए टाइगर ने माइकल के एलए के कोरियोग्राफर से ट्रेनिंग ली थी। टाइगर के मार्शल आर्ट क्लासेस में एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी भी ट्रेन करते थे, हालांकि उनको अपनी पहली फिल्म बहुत बाद में जाकर मिली। टाइगर की बॉडी बिल्डिंग से कई सारे लोग प्रेरित होते हैं, मगर उनके फिटनेस उनके सीनियर एक्टर्स को भी प्रेरणा देती है। फिल्म धूम 3 के लिए आमिर खान को टाइगर श्रॉफ ने ट्रेन किया था और इसके बाद दोनों के बीच रिश्ता इतना गहरा हो गया कि आमिर टाइगर की डेब्यू फिल्म प्रोड्यूस करना चाहते थे, मगर उसके बाद इस पर कोई बात सामने नहीं आई। टाइगर 4 साल की हमारी उम्र में मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग ले रहे हैं और अपने करियर की शुरुआत में वो एक्टिंग से ज्यादा स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड थे। टाइगर ताइक्वांडो में 5th degree ब्लैक बेल्ट होल्डर हैं और WWE के बहुत बड़े फैन भी हैं। WWE का कौन फैन नहीं होता, आप में से भी बहुत सारे लोग WWE के फैंस होंगे। तो चलिए वापस आते हैं इस टॉपिक पर और टाइगर श्रॉफ के बारे में बात करते हैं। टाइगर श्रॉफ भगवान शिवा पर बहुत विश्वास रखते हैं और उनको हीरोपंती 2 में उनका कौन सा रोल है? इस फिल्म को क्या पूरी तरह से भारत में शूट किया जाएगा? ऐसे कुछ बातें हमारे वीडियो में सुनिएगा जरूर, मगर हमें पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप में से जो भी टाइगर श्रॉफ के फैंस रहे होंगे, फिल्म हीरोपंती आपके लिए काफी मायने रखती है, ये हमें पता है। आपके पसंदीदा टाइगर श्रॉफ ने अपना डेब्यू फिल्म से ही अपनी डांसिंग स्किल, चिसलिट बॉडी और एक्शन स्किल से आप सबको दीवाना बना दिया और तब से उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक अलग जगह बनाई है जिसमें उनके कॉम्पिटिटर से कोई भी उन्हें टक्कर नहीं दे सकता। आज की पीढ़ी में अगर एक मेथड एक्टर राजकुमार राव और जो अपने इंटेंस कैरेक्टर से ऑडियंस को चौंका देते हैं, तो एक आयुष्मान खुराना भी है जो छोटे शहरों से अतरंगी मजेदार लोगों की कहानियां बड़े पर्दे पर लाते हैं। एक रणबीर कपूर है जो अपने चॉकलेट बॉय इमेज के साथ रॉकस्टार और संजू जैसी परफॉर्मेंसेस लाते हैं, तो एक रणवीर सिंह है जिनको देश के विश्वास नहीं होता कि इसी एक बंदे ने खिलजी भी किया था और इसे सिम्बा भी। मगर अगर ऐसे एक्टर ना बॉलीवुड मसाला फिल्म्स में एक्शन को एक नया डायमेंशन दे दिया है तो वो है टाइगर श्रॉफ। अक्षय कुमार भी एक्शन छोड़कर कॉमेडी करने चले गए, अब तो पूरा इलाका टाइगर का है। तो अगर हीरोपंती से आपकी इतनी यादें जुड़ी हैं, तो इसके दूसरे पार्ट के बारे में आप सुन ही चुके होंगे। हमने खुद आपको बताया था कि इस फिल्म में कैटरीना और सारा के बाद आखिरकार तारा हीरोइन बन रही हैं और फिल्म में हीरोइन के कुछ एक्शन सीन्स भी रखे गए हैं। इसके लिए तारा को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उनके बॉयफ्रेंड आदा जैन ने भी उनको इस प्रोजेक्ट के लिए जाल लगा देने के लिए प्रोत्साहित किया है और तारा भी अपने आप को काफी भाग्यशाली मानती है कि उन्हें उनके बर्थडे मंथ में उनको ये फिल्म ऑफर हुई है।
लेकिन ऐसी हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है लोकेशंस। लोकेशंस ही तो हिंदी फिल्मों के आकर्षण बनती आई है। हमें खबर मिली है कि फिल्म की शूटिंग करीब 10 देशों में की जाने वाली। अब तक उन 10 देशों में लंदन, मिलन, टोक्यो, मॉस्को और न्यूयॉर्क फाइनलाइज हो चुकी है। हालांकि हीरोपंती एक की लोकेशन इंडिया की और फिल्म में कैरेक्टर्स भी पूरी तरह से देसी थे, मगर रिपोर्ट्स के मानो तो इस फिल्म में टाइगर का कैरेक्टर अपनी पहली फिल्म के कैरेक्टर का एक एक्सटेंशन होगा। मगर इस बार टाइगर किसी एंग्री फादर से भागते नहीं, बल्कि इंटरनेशनल एजेंसीज को अपने पीछे भगाते नजर आने वाले हैं। फिल्म की स्क्रिप्ट रजत अरोरा ने लिखी है और इस फिल्म बार में स्केल को काफी ऊपर ले जाने का इरादा है मेकर्स का। आपको क्या लगता है, इस बार टाइगर इस रोल में जम पाएंगे? क्या फिल्म में अच्छे लोकेशंस के अलावा और अच्छी चीजें होंगी? क्या तारा पिछले बार की कृति सेनन की जगह ले पाएंगे? इतने सारे ख्यालों के साथ हम विदा लेते हैं, मगर आप इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं। मैं हूं पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है साई सुरेश दास ने। जो मैं कर रहा हूं वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। भाई जैसे पता चला तू आया तो देख मैं खुद तेरे स्वागत के लिए आ गया। चूज कर क्या खाएगा? ये खाएगा निकल गई तेरी सारी हीरो बनती। क्या इस बार हीरोपंती 2 बॉक्स ऑफिस में सिमिलर कंटेंडर्स के बीच जंप पाएगी? क्या हीरोपंती 2 पहले जैसा कमाल दिखा पाएगी या नहीं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। साल 2020 मानो जैसे बॉलीवुड के इतिहास का सबसे बुरा साल था। एक तरफ इरफान, ऋषि कपूर, सरोज खान, वाजिद खान और सुशांत सिंह राजपूत जैसे नायाब कलाकार हमें छोड़ गए और फिर बॉलीवुड तारों और डायरेक्टर्स पर ड्रग्स, नेपोटिज्म जैसे आरोप लगे और कुछ कीचड़ मीडिया ने भी उछालने की कोशिश की थी। मगर जो सबसे बड़ी समस्या थी वो ये थी कि थिएटर्स बंद होने के कारण कई सारी फिल्में जो अब तक ब्लॉकबस्टर्स हो चुकी होती वो अभी तक कंप्लीट भी नहीं हो पा रही। कुछ फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई मगर कुछ थिएटर्स खुलने का इंतजार कर रही हैं। उन्हीं में से एक है हीरोपंती 2, जिसकी शूटिंग डिले हो गई पेंडेमिक की वजह से। मगर सोचने वाली बात तो ये है कि जब फिल्म थिएटर्स में आएगी तब बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्में भी एक साथ आने वाली है। फिल्म हीरोपंती 2 जिस दिन रिलीज होगी उसी दिन यानी कि 16 जुलाई को साउथ की बड़ी फिल्म KGF का दूसरा पार्ट KGF चैप्टर 2 भी आने वाला है, जिसके लिए ऑडियंस काफी दिनों से उत्सुक है। और इस फिल्म को एक्सेल एंटरटेनमेंट बैक कर रही है, जिसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी काफी कड़क है। तो ऐसे हालत में हीरोपंती 2 के बिजनेस पर प्रभाव पड़ सकता है। मगर बात यहाँ खत्म नहीं होती। अगर ये देखकर हीरोपंती 2 को थोड़ी देर पोस्टपोन किया जाए तो क्या उसको कम कॉम्पिटिशन मिलेगा? इस बार मानो बॉलीवुड में सीक्वल्स की बरसात हो रही है। टाइगर श्रॉफ खुद अपनी बागी फ्रेंचाइजी का चौथा पार्ट करने वाले हैं। बधाई हो का दूसरा पार्ट बधाई 2 भी आ रहा है, जिसमें राजकुमार राव एक ऐसे पुलिस ऑफिसर बन रहे हैं जिनके थाने में सिर्फ महिला कर्मचारी होंगी और भूमि पेडनेकर एक PT टीचर के रोल में नजर आएंगी। फिर 2014 की फिल्म एक विलेन का दूसरा पार्ट 2 विलेन भी जल्द ही आने वाला है। इस फिल्म को भी फर्स्ट पार्ट के डायरेक्टर मोहित सूरी ही बना रहे हैं। इस फिल्म में अर्जुन कपूर, तारा सुतारिया, दिशा पाटनी और जॉन अब्राहम दिखेंगे। इस फिल्म में पहले आदित्य रॉय कपूर थे जिन्होंने मोहित के साथ मलंग किया था, मगर कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से आदित्य ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया।
फिल्म की हाईलाइट तो ये है कि इस फिल्म में तारा गाना गा रही हैं जैसे फिल्म के पहले पार्ट में श्रद्धा कपूर ने गाया था, जिसकी वजह से फिल्म की मार्केट वैल्यू काफी बढ़ जाती है। फिर साजिद नाडियाडवाल की फिल्म किक का दूसरा पार्ट किक 2 भी आने वाला है, जिसमें सलमान और जैकलीन फर्नांडिस फिर से नजर आएंगे एक साथ। ऐसे माहौल में फिल्म हीरोपंती 2 को कहीं पर भी बिना बॉक्स ऑफिस क्लैश के रिलीज होने का स्पेस नहीं मिलता। इस फिल्म को कैसे भी करके कॉम्पिटिशन का सामना तो करना ही पड़ेगा। पर हमें साजिद नाडियाडवाल के अनुभव पर पूरा विश्वास है कि वो कोई ना कोई हल तो जरूर निकालेंगे। खैर, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल मौलिकराज स्टूडियोज को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज के स्क्रिप्ट राइटर है सर श्रेष्ठ दास, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जैसे पता चला तू आया तो देख, मैं खुद तेरे स्वागत के लिए आ गया। चूज कर, ये खाएगा, ये खाएगा। बस। क्या इस बार भी पहले की तरह फिल्म हीरोपंती का स्लॉट हो जाएगा हाउसफुल? क्या एक बार फिर हीरोपंती फिल्म में मशहूर बांसुरी की धुन सुनने को मिलेगी? जानने के लिए देखिए ये वीडियो, मगर उससे पहले हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बातें, और आप जुड़ चुके हैं अपनी होस्ट प्रशा के साथ। 2014 की सुपरहिट फिल्म हीरोपंती की सीक्वल बनाने में प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला लगे पड़े हैं। पहले स्केड्यूल्स के अनुसार फिल्म 2020 को रिलीज होने वाली थी, मगर पैंडेमिक की वजह से फिल्म की रिलीज डेट अब 16 जुलाई 2021 रखी गई है। जी हाँ, वही डेट जो आपने सेव कर रखी थी केजीएफ चैप्टर 2 के लिए। तो इसका मतलब ये है कि केजीएफ का सेकेंड इंस्टॉलमेंट और हीरोपंती का सेकेंड इंस्टॉलमेंट दोनों में जोरदार बॉक्स ऑफिस क्लैश होने वाला है। आपको बता दें कि KGF 2 के टीजर को एक दिन के अंदर 76 मिलियन व्यूज मिल गए थे YouTube पर। बाहुबली के बाद KGF साउथ इंडिया की दूसरी फिल्म है जिसने पूरे देश के बॉक्स ऑफिस में भूकंप मचा दिया है। KGF 2 में कन्नड़ा एक्टर यश के साथ बॉलीवुड के यस्टरडे सुपरस्टार, शहर की लड़की रवीना टंडन और संजू बाबा भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। फिल्म की हिंदी प्रोडक्शन फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी की एक्सेल एंटरटेनमेंट ने संभाला है, और दूसरी तरफ है टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती 2। केजीएफ 2 के बवाल में हीरोपंती पूरी तरह से फीकी पड़ जाए ये कहना भी गलत होगा। हाल ही में हमने देखा कि बॉलीवुड के जितने यंग उभरते सुपरस्टार्स हैं, जैसे रणवीर सिंह और रणबीर कपूर, सब कंटेंट ड्रिवन फिल्में करते हैं सिवाय सिम्बा और अपकमिंग फिल्म सर्कस के। मगर कमर्शियल फिल्म्स ऑडियंस को भेंट देने के इलाके में टाइगर श्रॉफ पुराने बल्लेबाज हो चुके हैं। उनकी सक्सेस रेशियो भी काफी अच्छी रही है। बागी 3 ने भारत में कोरोना के आरंभ होने की आशंका के बावजूद पहली वीकेंड में 45 करोड़ रुपए कलेक्ट किए थे। मगर अगर कहीं पर हीरोपंती पीछे है तो इस बात पे कि हीरोपंती की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2014 में आई थी। उस फिल्म के दो मुख्य कलाकार भी अपने करियर्स में आगे बढ़ चुके हैं और उस फिल्म का जिक्र अक्सर नहीं किया जाता, जबकि केजीएफ 2 साल पहले रिलीज हुई थी। फिल्म की पब्लिसिटी अच्छी तरीके से की गई और 2 सालों तक फिल्म के प्रति हाइप भी बनाए रखा गया। तो अगर हीरोपंती 2 की मार्केटिंग, गाने, ट्रेलर, टीजर अच्छे से एग्जीक्यूट की गए तो टक्कर बराबरी की हो सकती है। बाकी जीतेगा वही जो सिकंदर हो। आपको क्या लगता है, जुलाई 16 के इस वॉर में? नहीं, टाइगर की फिल्म वॉर 2 नहीं, उस पर अलग वीडियो बनाएंगे। बॉक्स ऑफिस वॉर में कौन जीतेगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ये वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ये कहानी लिखी है से श्रेष्ठ दास ने। धन्यवाद।
दोस्तों क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हीरोपंती दो की हीरोइन का रोल के लिए कितनी टॉप एक्ट्रेसेस ट्राई कर रही हैं? और क्या आपको ये पता है कि इस बार हीरोपंती दो में कोई नई एक्ट्रेस आ रही है या किसी टॉप एक्ट्रेस को चुना गया है? दरअसल फिल्म की अनाउंसमेंट बहुत पहले से हो चुकी थी और तब से फिल्म के लिए चारों ओर से फैंस में उत्सुकता और एक्ट्रेसेस के बीच कंपटीशन चल रहा है। तो आपको पहले ये बताते हैं कि इस फिल्म में कोई नई एक्ट्रेस को चांस मिलने की संभावना नहीं है। फिल्म हीरोपंती से टाइगर श्रॉफ ने कृति सेनन के साथ 2014 में डेब्यू किया था। फिल्म के साथ साथ फिल्म के गाने भी काफी सफल हुए थे। उसके बाद टाइगर श्रॉफ ने कई फिल्मों में अपनी डांसिंग और एक्शन स्किल्स के प्रदर्शन दिखाए थे। कृति सेनन ने भी अपने बलबूते पर इस इंडस्ट्री में एक नाम कमाया है। दोनों अपनी पहली फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला की कई फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फ्यूचर में भी टाइगर बागी 4 और कृति बच्चन पांडे में साजिद के साथ दोबारा काम करेंगे। मगर इस बार अगर बात करें, कृति ने हीरोपंती 2 में काम करने से मना कर दिया, क्योंकि इस वक्त कृति अपने करियर के पीक पॉइंट पे है और ट्रेड एनालिस्ट के अनुसार वो आने वाले 2 सालों में टॉप एक्ट्रेस भी बन सकती है। तो इस पॉइंट पर कृति ने एक मेल डोमिनेटेड फिल्म में सिर्फ हीरो को लवर बनना सही नहीं समझा। इसी वजह से नई हीरोइन की संभावना दिख रही थी। टाइगर ने पहले मुन्ना माइकल में भी डेब्यू, निधि अग्रवाल और स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में डेब्यू अनन्या पांडे और तारा सुतारिया के साथ काम किया है। मगर इस बार फिल्म का स्केल को बढ़ाने के लिए एक जाने माने चेहरे को लाना चाहते थे। मेकर्स की पहली पसंद में कैटरीना कैफ को लाना चाहता था, क्योंकि तब फीमेल लीड को भी एक्शन करने का मौका मिलता और कैटरीना ने पहले तो टाइगर जिंदा है में एक्शन किया है। मगर मेकर्स कैटरीना और सारा के बीच में कंफ्यूज थे। साजिद ने कहा था कि सारा ने कभी एक्शन नहीं किया है, मगर नहीं कर सकती, वैसे भी नहीं है। कैटरीना सच डेट्स इशू की वजह से नहीं कर पाई, तो सारा ही ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुकी थी। मगर अब आती है मेन बात, सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद बॉलीवुड पर कहीं बुरी नजर पड़ी है। फिर आया वो कॉन्ट्रोवर्शियल ड्रग्स एंगल, जिसके लिए दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत सिंह और सारा अली खान जैसे बड़ी अभिनेत्री को एनसीबी ने सम्मान किया था। उस मामले में सारा अली खान के इन्वॉल्व होने के बाद कई सारे बॉयकॉट ट्रेंड्स चलने लगे और ऐसे सेंसिटिव मामले के बीच मेकर्स को खुश न होते हुए भी सारा को इस प्रोजेक्ट से निकालना पड़ा। हाल ही के सारा को क्लीन चिट मिल गया और फिर उन्होंने अपनी फिल्म कुली नंबर 1 को भी अच्छे से प्रमोट किया। तो लास्ट मोमेंट में टाइगर ने अपने सॉटी 2 के को एक्टर तारा सुतारिया को फिल्म में काम करने के लिए पूछा और वो तुरंत राजी हो गई। तारा साजिद नाडियाडवाला की फिल्म RX100 में भी काम कर रही हैं, जिसमें उनके ऑपोजिट अहान शेट्टी है। उस फिल्म में तारा के कुछ पोर्शंस देखकर साजिद काफी खुश हुए और इसलिए वो तारा को हीरोपंती 2 में लेने के लिए राजी हो गए। चलो भाई, सारा नहीं तो तारा सही। इस वीडियो के लिए कीजिए जरूर, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर और इन गपशप को अपने किसी दोस्त को फॉरवर्ड करना मत भूलिएगा। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है साई श्रेष्ठ दास ने। क्यों लगा बॉलीवुड पर फिर से हॉलीवुड से कॉपी करने का इल्जाम? क्यों कहा गया करण जौहर को नेपोटिज्म की फैक्ट्री? क्यों नहीं बन पा रही बॉलीवुड नए गाने और क्यों पुराने गानों का रीमेक करना ही आता है आजकल के सिंगर्स को? टाइगर श्रॉफ, जिन्होंने वॉर, बागी फ्रेंचाइजी और अपने कमाल के एक्शन और डांस मूव से भारत के दर्शकों का दिल जीत लिया है, एक बार फिर से अपनी डेब्यू फिल्म की फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाते हुए हम सबका दिल जीतने के लिए तैयार है। आज हम बात कर रहे हैं टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती की। हीरोपंती शबीर खान द्वारा निर्देशित और साजिद नाडियाडवाला द्वारा निर्मित एक रोमांटिक एक्शन फिल्म है। यह फिल्म 23 मई 2014 की रिलीज हुई थी। हीरोपंती को अगली फिल्म हीरोपंती 2 का पोस्टर रिलीज हो चुका है। फिल्म के पोस्टर में टाइगर श्रॉफ बहुत ही धांसू अंदाज में नजर आ रहे हैं और पोस्टर को देखकर यह बात साफ भी हो जाती है कि एक बार फिर उनका एक्शन अंदाज देखने को मिलेगा। वैसे भी हीरोपंती टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म रही है और इसी फिल्म ने उन्हें जबरदस्त पहचान भी दिलाई है। टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 2 को उनके मेंटर साजिद नाडियाडवाला प्रोड्यूस कर रहे हैं और जबकि अहमद खान फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म 16 जुलाई 2021 में रिलीज होगी, लेकिन फिल्म के पोस्टर के रिलीज होते ही बॉलीवुड पर फिर से एक हॉलीवुड फिल्म को कॉपी करने का इल्जाम लग गया है। टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 2 को सोशल मीडिया पर कैनू रीवस की सुपरहिट फिल्म जॉन विक के इंस्पायर बताया जा रहा है, क्योंकि टाइगर श्रॉफ को कोट पैंट वाला लुक कुछ कुछ जॉन विक जैसा ही है। यही नहीं, फिल्म के टैगलाइन द वर्ल्ड वांट्स हिम डेड को भी जॉन विक की स्टोरी लाइन से इंस्पायर्ड बताया जा रहा है। बॉलीवुड पर हॉलीवुड फिल्म में कॉपी करने का इल्जाम पहली बार नहीं लग रहा है। आप तो ये जानते ही हैं कि बॉलीवुड पर पहले भी दूसरी फिल्मों के कॉपी करने का इल्जाम लग चुका है। तो क्या बॉलीवुड अब अपनी फिल्मों में ओरिजिनलिटी नहीं ला पा रहा है? फिर दूसरी फिल्मों में कॉपी करना आजकल के राइटर्स और डायरेक्टर्स को आसान लगने लगा है। मर्डर 3 के पोस्टर को हॉलीवुड फिल्म जेसिकाज बॉडी के पोस्टर पर कॉपी बताया गया था। और इतना ही नहीं, शाहरुख खान और करीना कपूर की फिल्म रावण 2 को भी हॉलीवुड की फिल्म बैटमैन बिगिंस के पोस्टर के कॉपी करने का इल्जाम लगा था।
आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेट इतना फैला हुआ है कि बॉलीवुड के फिल्मों को कॉपी करते देखते ही फैंस ये नोटिस कर लेते हैं। ऐसा में किसी बात में चिप पाना संभव नहीं है। पोस्टर से नहीं बल्कि आजकल तो बॉलीवुड के सिंगर्स भी पुराने सदाबहार गानों को कॉपी या फिर रीमेक बना रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या बॉलीवुड के लोगों में क्रिएटिविटी खत्म हो चुकी है। हीरोपंती फिल्म में टाइगर श्रॉफ और कृति सैनन ने बॉलीवुड के साथ ही कदम रखा था। अब दोनों ही एक्ट्रेस बॉलीवुड में काफी सक्सेसफुल हो चुके हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हीरोपंती दो को हीरोपंती की कहानी के साथ आगे बढ़ाएंगे या फिर इस बार हमें एक नई कहानी देखने को मिल सकती है। हालांकि हीरोपंती दो में कृति सैनन को रिप्लेस कर दिया गया है। कई अटकलों के बाद हीरोपंती दो के निर्माताओं ने आखिरकार तारा सुतारिया को इस फिल्म में फ्रेंचाइजी की दूसरी किश्त में टाइगर श्रॉफ के साथ उनकी फीमेल लीड के रूप में घोषित कर दिया है। साथ ही तारा सुतारिया निर्माता साजिद नाडियाडवाला की आने वाली फिल्म को भी हिस्सा है, जिसमें वह अहान शेट्टी के साथ नजर आएंगी। साजिद सर की अहान शेट्टी के डेब्यू फिल्म में तारा के कुछ सीन देखे थे और उनकी शानदार परफॉर्मेंस ने उनका दिल जीत लिया। वह एक बेहतरीन अभिनेत्री है जो टाइगर श्रॉफ के साथ हीरोपंती में भूमिका के लिए एक परफेक्ट मैच होंगी। हीरोपंती दो को निर्देशक अहमद खान करेंगे, जिन्होंने इससे पहले बागी फ्रेंचाइजी में बागी दो और बागी तीन का निर्देशन भी किया है। हीरोपंती की पहली फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया था और जिसमें टाइगर श्रॉफ की परफॉर्मेंस फिल्म का मेन अट्रैक्शन रही थी। टाइगर श्रॉफ और तारा सुतारिया को पहले स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में देखा गया था, जिस फिल्म से तारा सुतारिया ने बॉलीवुड में कदम रखा था। इस फिल्म को भी इंटरनेट पर बहुत ट्रोल किया गया था और यह फिल्म बहुत विवादों में रही थी। तो क्या थी इसकी वजह, हम आपको बताते हैं। दरअसल स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 को करण जौहर ने बनाया था और इस फिल्म में उन्होंने चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे को भी बॉलीवुड में लॉन्च किया था, जिसकी वजह से करण जौहर को बॉलीवुड में नेपोटिज्म फैलाने के लिए ट्रोल किया गया था। लेकिन यह पहली बार नहीं है कि जब करण ने नेपोटिज्म के आरोप लगे हैं। करण जौहर का नेपोटिज्म से पुराना रिश्ता है। पहले भी एक चैट शो से शुरू हुए नेपोटिज्म के किस्से पर हर दिन नए नए विवाद पैदा रहे। दरअसल एक शो में जो बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत ने करण जौहर पर नेपोटिज्म का झंडा बुलंद करने का आरोप लगाया तो मामला गर्म था। फिर एक मौके पर करण को इसके लिए ट्रोल किया जाता था। एक यूजर ने लिखा, फिल्म के स्टार कास्ट को देखकर सिर्फ एक ही शब्द कहा जा सकता है, वो है नेपोटिज्म। एक यूजर ने लिखा, इतना नेपोटिज्म लाते कहां से हो। फिल्म के रिलीज होने के बाद भी करण जौहर को ट्रोल्स ने घेर लिया था। जब करण ने ट्वीट में बताया कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 ने 57.90 करोड़ रुपए की कमाई की है और ये समर टाइम हिट है। इसी ट्वीट के बाद करण को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा। फिल्म का बजट 80 करोड़ रुपए के आसपास है। फिल्म की कमाई अब तक 60 करोड़ भी नहीं हुई है। ऐसे में करण जौहर का फिल्म को हिट बताना लोगों को पसंद नहीं आया। हालांकि तारा सुतारिया की एक्टिंग और टाइगर के साथ केमिस्ट्री को लोगों ने बहुत पसंद किया था और अब हाई ऑक्टेन एक्शन और साजिद नाडियाडवाला के साथ हीरोपंती 2 निश्चित रूप से नए रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है सान्या भार्गव ने। हीरोपंती 2 क्यों नहीं अटेंड किया जैकी श्रॉफ ने हीरो फिल्म के रीमेक की स्पेशल स्क्रीनिंग। क्या समानता है टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती और सूरज पंचोली की फिल्म हीरो में? क्या एक बार फिर दिखेंगे जैकी श्रॉफ विलन के रूप में? हर बॉलीवुड एक्टर की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है जहां से उसकी जिंदगी बदल जाती है। इसे हमारी इंडस्ट्री में बिग ब्रेक भी कहा जाता है, जैसे कि दीपिका पादुकोण को मिला उनका बिग ब्रेक शाहरुख खान के साथ फिल्म ओम शांति ओम से। वहीं रणवीर सिंह को मिला उनका बिग ब्रेक यशराज की फिल्म बैंड बाजा बारात से। अनुष्का शर्मा को भी इसी फिल्म से बॉलीवुड में पहचान मिली थी। आउटसाइडर्स के लिए बॉलीवुड में जगह बनाना स्टार किड्स के मुकाबले ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी एक समय के स्ट्रगलिंग एक्टर्स ने आज हमारी इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली है, जिनमें से एक हैं जग्गा दादा यानी हमारे जैकी श्रॉफ। जैकी श्रॉफ ने आज के समय में जो सफलता हासिल की है उसकी सबसे बड़ी वजह है उनकी फिल्म हीरो। 1983 में आई फिल्म हीरो ने जैकी श्रॉफ के फिल्मी करियर को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया था। इस फिल्म को भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था और इस फिल्म के रिलीज के बाद जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी शेषराधी बहुत बड़े सितारे बन गए थे। भारत के कई शहरों में ये फिल्म 750 दिनों तक यानी कि 2 साल से ज्यादा समय तक सिनेमाघरों में दिखाई दी थी।
हीरो की रिलीज के बाद दोनों लीड एक्टर्स की बॉलीवुड में मांग बढ़ गई और इस तरह सुभाष घई के साथ उनका एक लंबा फिल्मी रिश्ता शुरू हुआ। यंगस्टर्स को ये फिल्म खास कर ज्यादा पसंद आई थी और ये क्रिटिक्स तक ने घई की तारीफ करते हुए कहा, जिस समय अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के लीड सुपरस्टार थे, उन्होंने इस फिल्म से नए चेहरे को इंडस्ट्री में लॉन्च किया। इस फिल्म में पाकिस्तानी गायिका रेशमा ने लंबी जुदाई गाना गाया था, जिसने आगे जाकर एक कल्ट स्टेटस हासिल किया। जब फिल्म रिलीज हुई तो गायक और संगीतकार अजीत सिंह ने दावा किया था कि सुभाष घई ने उनके गाना लंबी जुदाई को चुरा लिया। घई ने दावा किया कि यह एक ट्रेडिशनल गाना था जिसे उनकी माँ गाया करती थी जब वो बच्चे थे। बाद में जैकी श्रॉफ द्वारा बजाई गई इस बांसुरी की धुन को यूज आगे कर उनके बेटे टाइगर श्रॉफ की पहली फिल्म हीरोपंती 2014 में बैकग्राउंड म्यूजिक के रूप में किया गया था। हीरो फिल्म के तेलुगु में फिल्म विक्रम के रूप में अक्की केनेनी नागार्जुन के साथ और कन्नड़ में भी वह रविचंद्रन के साथ रणधीरा के रूप में रीमेक किया गया था। निखिल आडवाणी ने इस कल्ट क्लासिक को हिंदी में रीमेक किया था, जो फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म हीरोपंती भी इस फिल्म की रीमेक है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर भी 2015 की हीरो और हीरोपंती में कई चीजें सेम हैं। जैसे फैंस ने नोटिस किया था कि जैसे कि दोनों फिल्मों में न्यूज कमर को लॉन्च किया जाता है, जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन को पहली बार फिल्म हीरोपंती में और आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली और सुनील शेट्टी की बेटी आथिया शेट्टी को फिल्म हीरो में पेश किया गया था। इतना ही नहीं, दोनों फिल्मों में हीरो के लुक भी मिलता जुलता था। सूरज पंचोली और टाइगर श्रॉफ दोनों अपनी फिल्म हीरो और हीरोपंती फिल्मों में टपोरी लुक में नजर आए। हीरो 1983 की बॉलीवुड फिल्म हीरो की रीमेक और हीरोपंती एक तेलुगु फिल्म परगु की रीमेक है। इसके अलावा फिल्म हीरो के बांसुरी की धुन हीरोपंती के गाने विसल बजा में यूज किया गया, तो दोनों फिल्मों को 1983 की फिल्म हीरो के कुछ कनेक्शन है। फिल्म की कहानी थी बहुत सेम। दोनों फिल्मों में कहानी दो लोगों के घर से भाग जाने या फिर किडनैप होने के इर्द गिर्द घूमती है। हीरोपंती में एकमात्र अंतर ये था कि लीड एक्टर्स गायब नहीं होते। हीरो फिल्म के रीमेक के स्पेशल स्क्रीनिंग को जैकी श्रॉफ ने स्पेशल इनविटेशन के बाद भी अटेंड नहीं किया था। क्या थी इसकी वजह, चलिए हम आपको बताते हैं। इस बारे में सूरज पंचोली ने कहा कि द ओरिजिनल हीरो जैकी श्रॉफ ने हमारी फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग देखने से इनकार कर दिया। बजाय इसके उन्होंने टिकट खरीदकर बाकी लोगों की तरह थिएटर में देखना पसंद किया। मैंने जैकी सर से कहा, आप अंदर स्क्रीनिंग के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? उन्होंने कहा, बच्चा मैं केवल आपको आशीर्वाद देने आया हूँ, मैं अपना पैसा खर्च करके थिएटर में फिल्म देखूंगा। आथिया शेट्टी ने भी कहा, जैकी अंकल अपने आशीर्वाद देने के लिए स्क्रीनिंग के दौरान आए थे और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, मुझे ये भी वास्तव में बहुत अच्छा लगा। अब जल्द ही टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती का सीक्वल भी बनने जा रहा है। हालांकि हीरोपंती फिल्म जैकी श्रॉफ की ही हीरो फिल्म का रीमेक है, लेकिन आपको क्या लगता है कि वह बांसुरी की धुन जैसे हीरोपंती में इस्तेमाल किया गया था किस और का इशारा कर रही थी, या फिर हमें खुद ही ओरिजिनल हीरो यानी जैकी श्रॉफ को देखने को मिल सकता है? आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से इन सवालों का क्या जवाब हो सकता है? वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपको यही कहती हूँ अलविदा। ये कहानी लिखी है सानिया भार्गव ने। बेटी से बहुत प्यार करते हो, उसकी शादी कहां करनी है ये हक मैं आपसे नहीं छीनना चाहता, लेकिन जहां भी तयगी है अगर उससे जरा सी भी तकलीफ हुई तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा।
टाइगर श्रॉफ को सबके सामने माफी अपने बयान पर फिल्म में काम करने का इंटरेस्ट दिखाने के बावजूद भी क्यों किया गया कृति सेनन को अपनी ही फिल्म के सीक्वल से रिप्लेस? कैसे मिली कृति सेनन को उनकी पहली फिल्म, जहां एक तरफ कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में लोगों की सेहत को काफी नुकसान पहुंचाया है, वहीं इसका असर हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा पड़ा है। इसके असर से बॉलीवुड को भी काफी नुकसान सहना पड़ा। एक और जहां बॉलीवुड की जो फिल्में बनकर तैयार थी उन्हें थिएटर्स पर ना रिलीज होने की वजह से बहुत नुकसान झेलना पड़ा। कुछ फिल्मों की शूटिंग को रोकना पड़ा और उनके सेट्स को गिराना पड़ा। कई ऐसी भी फिल्में हैं जिनकी शूटिंग शुरू होने से पहले ही बंद हो गई। ऐसे में बॉलीवुड को कुछ 50 करोड़ से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा। कई फिल्में रिलीज के लिए तैयार थी, गुंजन सक्सेना, लक्ष्मी बॉम्ब, सड़क दो, 83, सूर्यवंशी, वही संजय लीला बंसाली की गंगूबाई और बोनी कपूर की मैदान, जिसके सेट को गिराना पड़ा था क्योंकि निर्माता सेट्स को खड़ा करना अफोर्ड नहीं कर पाए। जब भारत में लॉकडाउन हटा और धीरे धीरे कोरोना के केसेस कम हुए, तब हीरोपंती की शूटिंग के लिए वापस तैयार की जा रही थी। लेकिन अब इस फिल्म की शूटिंग में एक और दिक्कत आ गई है। फिल्म को दुनिया भर में शूट किया जाना था, हालांकि कोरोना वायरस के नए संस्करण के कारण फिल्म के निर्माता शूटिंग की लोकेशंस के अपने स्केड्यूल को पूरा नहीं कर सके। अब कोविड-19 के दुनिया भर में थोड़े कंट्रोल में होने के बाद फिल्म को नए स्केड्यूल से शूट किया जाएगा, जब तक निर्माता इंतजार करेंगे। फिल्म में हो रही देरी की वजह से बस कोरोना वायरस ही नहीं बल्कि एक और है। दरअसल फिल्म की स्क्रिप्ट को पूरा करने में उम्मीद से ज्यादा समय लग चुका है। इस बीच निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने बच्चन पानी पर काम शुरू कर दिया, जो कि अक्षय कुमार के साथ उनकी अगली फिल्म होगी, और वो इस फिल्म को नए अंदाज से शूट कर रहे हैं और वह हीरोपंती पर भी इसी तरह की शूटिंग की टेक्निक आजमाएंगे। फिल्म का डायरेक्शन अहमद खान करने वाले हैं और वो भी इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ के एक्शन सीन्स पर काम कर रहे हैं। हीरोपंती में हमें टाइगर एक नए अवतार में देखने वाले हैं और जैसे उन्हें पहले किसी फिल्म में नहीं देखा गया होगा। टाइगर श्रॉफ की बात करें तो हाल ही में उन्हें एक कॉन्ट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा था और फिर सबके सामने माफी मांगनी पड़ी। तो क्या है ये कॉन्ट्रोवर्सी, हम आपको बताते हैं कि हाल ही में एक इंटरव्यू में टाइगर श्रॉफ को उनके मजाक का खामियाजा भुगतना पड़ा। अपने सेक्सिस्ट कमेंट के लिए उन्हें आलोचकों का सामना करना पड़ा था, जिसके जवाब में टाइगर ने कहा कि वे मजाक कर रहे थे लेकिन उनके मजाक को गंभीरता से लिया गया था। तो क्या था उनका ऐसा कमेंट? दरअसल एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि वह किस तरह की महिला से शादी करना चाहेंगे, तो टाइगर ने कहा, मैं गांव की एक लड़की से शादी करूंगा, जब मैं घर पहुंचता तो मुझे एक मालिश चाहिए ताकि मैं आराम कर सकूं, उसे घर पर रहना चाहिए, घर को साफ रखना चाहिए और मुझे घर का बना खाना देना चाहिए। मुझे ऐसी लड़कियां पसंद है जो गृहिणी टाइप है। जब बाद में टाइगर से उनके कमेंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, कोई व्यक्ति मुझे बेमतलब में नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था और मेरे बारे में कुछ बुरा कहना चाहता था। उस इंटरव्यू के दौरान जो भी कमरे में था उन्हें ये पता था कि मैं मजाक कर रहा हूँ और इस वजह से सब हंस रहे थे। मैं मजाक कर रहा था और ये बात साफ थी, मैं असलियत में ऐसी बात कभी नहीं कहूंगा। मैं पुराने जमाने के लोगों की तरह बात नहीं करता और ये सब जानते हैं, लेकिन वैसे भी मुझे लगता है कि मुझे अगली बार अधिक सावधान रहना चाहिए और यह मेरी गलती थी। इस कॉन्ट्रोवर्सी के बाद टाइगर श्रॉफ ने पब्लिकली एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने काफी माफी मांगी और उनके फैंस से किसी भी बात पर विश्वास करने से मना किया और कहा कि वो वुमेन एम्पावरमेंट में विश्वास रखते हैं और मॉडर्न लड़कियों को सपोर्ट और उनकी इज्जत करते हैं और अपनी गलती को माना। आपको तो याद ही होगा कि कृति सेनन, जो आजकल बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है, ने बॉलीवुड में कदम इसी फिल्म यानी कि हीरोपंती से रखा था। कृति सेनन जो कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रह चुके हैं, अपने कॉलेज के सेकंड ईयर में एडवर्टीजमेंट्स में काम करने लगी थी। अपने बॉलीवुड के सफर को बताते हुए उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें कैसे उनकी पहली फिल्म मिली थी। उन्होंने बताया कि सबीर खान सर ने मेरे एक एड को देखा था और उन्होंने एक बार मुझे साजिद नाडियाडवाला के ऑफिस में एक मीटिंग के लिए बुलाया। मैं उनसे एक स्क्रिप्ट नरेशन के लिए मिली और उन्हें मुझे फिल्म में मेरा किरदार समझाया। मुझे फिल्म में मेरा रोल बहुत पसंद आया। उसके बाद मेरा एक फोटोशूट, एक लुक शूट और एक स्क्रीन टेस्ट हुआ था। फिर बाद में सबीर सर मुझसे साजिद सर से मिलने के लिए ले गए और उन्होंने बाद में मुझे यह कहकर कार में हैरान कर दिया कि मैं फिल्म के लिए सिलेक्ट हो गई हूँ और वो मुझे साइन कर रहे हैं। कृति सेनन ने हीरोपंती के सीक्वल में काम करने में इंटरेस्ट दिखाया लेकिन अब फिल्म में तारा सुतारिया को कास्ट कर लिया गया। तो क्या कृति सेनन को तारा सुतारिया से रिप्लेस कर दिया गया या फिर हमें हीरोपंती में एक लव ट्रायंगल देखने का मौका मिलने वाला है?
तारा सुतारिया स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में भी टाइगर श्रॉफ और अनन्या पांडे के साथ एक लव ट्रायंगल में नजर आ चुकी हैं। ऐसे में आपको क्या देखना पसंद करेंगे, तारा और टाइगर का रोमांस या फिर एक लव ट्रायंगल? आज की हमारे स्क्रिप्ट लिखी है सान्या भार्गव ने। जो मैं कर रहा हूं वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। भाई जैसे पता चला तू आया तो देख मैं खुद तेरे स्वागत के लिए आ गया। चूज कर क्या खाएगा, ये खाएगा क्या दिखेंगे हम विद्युत जमेवाल और टाइगर श्रॉफ साथ में हीरोपंती के सीक्वल में? क्यों आज के समय में टाइगर श्रॉफ है विद्युत जमेवाल से ज्यादा मशहूर? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है श्री जोनी और मैं आज आपका स्वागत करती हूँ बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। हर एक्टर अपनी एक स्पेशल टैलेंट के लिए जाना जाता है और यही टैलेंट दिलाता है उन्हें उनकी अलग पहचान। जैसे हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है, वैसे ही हर एक्टर एक दूसरे से अलग होते हैं। और एक्टर ही नहीं, हर डायरेक्टर भी एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे कि रोहित शेट्टी जाने जाते हैं उनकी एक्शन से भरी फिल्मों के लिए, वही करण जौहर मशहूर है उनके बड़े सेट और विशाल और ग्रैंड स्केल पर बनाई गई फिल्मों के लिए, वही इम्तियाज अली मशहूर है उनके पहाड़ों से कनेक्शन के लिए। क्या आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि हम किस बारे में बात करते हैं? चलिए हम आपको समझा देते हैं इम्तियाज अली और पहाड़ों का कनेक्शन क्या है। इम्तियाज अली और पहाड़ों का कनेक्शन, हर डायरेक्टर अपनी फिल्म में कुछ स्पेशल चीजें चाहता है जिसे हम डायरेक्टर के स्टाइल के रूप में भी जानते हैं। इम्तियाज अली की दुनिया हमेशा प्रेम कहानियों, ट्रैवलिंग, ब्रेकअप और सेल्फ रियलाइजेशन से रिलेटेड होती है। पहाड़ों के लिए उनके प्यार को उनकी फिल्मों से बेहतर किसी की भी ट्रिब्यूट की जरूरत नहीं है। इम्तियाज अली अपने कैरेक्टर्स के आकर्षण में पहाड़ों के लिए अपना खुद का प्यार दिखाते हैं। जब वी मेट में गीत कहती है मुझे ना पहाड़ बहुत पसंद है, वह आदित्य को यह भी सुझाव देती है कि उसे गीत की बहन से शादी कर लेनी चाहिए और फिर वह उसके और अंशुमन के वह आदित्य को यह भी सुझाव देती है कि उसे गीत की बहन से शादी कर लेनी चाहिए और फिर वह उसके और अंशुमन के साथ पहाड़ों में भी रह सकता है। रॉकस्टार में जॉर्डन हीर की शादी में कश्मीर जाता है और फिर से उड़चला में कश्मीर की सुंदरता को अनुभव करता है। तमाशा में तारा को उसी वक्त वेद से प्यार हो जाता है जब वह पहाड़ों में शांति से बैठी होती है। बाद में वह उसे अपने वास्तविक आत्मा की याद दिलाती है जब वह कहती है कि वो पहाड़ों से बात करती है। तुम तो पहाड़ों में बातें करती हो ना। वैसे ही हर एक्टर भी अपने अलग टैलेंट के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि शाहरुख खान बॉलीवुड के किंग ऑफ रोमांस है, वही अक्षय कुमार अपनी पैट्रियोटिक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं और आयुष्मान खुराना ऑकवर्ड और मुश्किल टॉपिक्स के लिए फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। वही अगर एक्शन फिल्मों की बात करें तो उसके लिए हमारे इंडस्ट्री में टाइगर श्रॉफ काफ़ी मशहूर है। हालांकि एक और एक्टर है जो टाइगर जैसे ही एक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी और बॉडी के लिए जाने जाते हैं और वो कमांडो फेम विद्युत जमेवाल है। लेकिन सेम क्वालिटीज होने के बावजूद भी आज के समय में टाइगर विद्युत से ज़्यादा मशहूर है तो क्यों है ऐसा, हम आपको बताते हैं।
टाइगर श्रॉफ अपनी फेम और सक्सेस के पूरे हकदार है, लेकिन कोई भी इस बात से असहमत नहीं होगा कि जैकी श्रॉफ का बेटा होने के नाते उन्हें इंडस्ट्री में फायदा तो मिला है। जब टाइगर ने हीरोपंती के साथ शुरुआत की लोगों के बीच ये खबर आई और लोग जैकी श्रॉफ के बेटे को एक्शन में देखना चाहते थे। हालांकि जब विद्युत जमरवाल ने फोर्स में डेब्यू किया था तो इसके अलावा ये कहना गलत नहीं होगा कि एक स्टार किड को एक बड़े बैनर जैसे नदियावाला ग्रैंडसन के ताले डेब्यूट करने से ज़्यादा फायदा मिलता है इसके अलावा ये कहना गलत नहीं होगा कि एक स्टार किड को एक बड़े बैनर जैसे कि नदियावाला ग्रैंडसन्स के साथ डेब्यू करने से ज़्यादा फायदा मिलेगा। डेब्यू के बारे में बात करें तो टाइगर ने विद्युत के मुकाबले एक ज़्यादा अच्छी और डेब्यू फ्रेंडली स्क्रिप्ट चुनी। हालांकि विद्युत की परफॉर्मेंस को बहुत सराहा गया था, लेकिन आखिर वो फिल्म में विलेन का रोल निभा रहे थे जो जॉन अब्राहम के खिलाफ थे, और लोग एक फिल्म को देखने के बाद विलेन से ज़्यादा हीरो को याद रखते हैं। अगर कोई भी कभी भी पूछता है कि टाइगर श्रॉफ के पास ऐसा क्या है जो विद्युत के पास नहीं है, तो सबसे आसान जवाब होगा कि किलर डांस मूव्स। एक एक्शन हीरो के मामले में वो एक दूसरे से मेल खा सकते हैं, लेकिन जब नाचने की बात आए तो बॉलीवुड में बहुत ही कम लोग हैं जो उनके करीब भी आ सकता है। एक शानदार डांसर होना भी एक इम्पॉर्टेंट स्किल है जबकि बॉलीवुड में हीरो तो बहुत है। हालांकि अब सुनने में आ रहा है कि अब विद्युत जमैवाल और टाइगर श्रॉफ साथ में हीरोपंती में दिखेंगे। हालांकि इस फिल्म में विद्युत विलन का रोल निभा रहे हैं या नहीं, ये बात अभी तक कंफर्म नहीं की गई है। हालांकि अगर फिल्म में विद्युत नेगेटिव रोल में होंगे तो इस फिल्म का एक्शन का क्या लेवल होगा ये बात तो हम सोच कर ही एक्साइटेड है। जब एक से बढ़कर एक एक्शन हीरो एक दूसरे के सामने आएंगे तो स्क्रीन पर क्या धमाका होगा, ये बात तो देखने वाली होगी। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं होगा जब बॉलीवुड के दो बड़े एक्शन हीरो सामने आएंगे। आपको तो याद ही होगा ना कि फिल्म वॉर में हमें टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन को देखा था और ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी। इस फिल्म ने बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए थे। वॉर फिल्म में दोनों एक दूसरे का पीछा करते हुए दिखे और वॉर फिल्म में दोनों एक दूसरे का पीछा करते हुए दिखे और दर्शकों ने इस फिल्म को बहुत ज़्यादा पसंद किया था। फिल्म के एक्शन सीन्स भी एक से बढ़कर एक थे। वॉर फिल्म के इस सीन को शूट करने के लिए मेकर्स को 5 महीने बाद परमिशन मिली थी। बता दें, इस बात की जानकारी फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने भी दी थी। फिल्म वॉर की शूटिंग 7 देशों में हुई है, वहीं दुनिया के 15 अलग-अलग शहरों में भी इसकी शूटिंग हुई थी। वहीं सुनने में आया है कि टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 2 को दुनिया भर के 10 देशों में शूट किया जाएगा। अब ऐसा लग रहा है कि हीरोपंती 2 वॉर के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ने के लिए तैयार है। तो आपको क्या लगता है, कैसी होगी हीरोपंती 2? हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आज का हमारा स्क्रिप्ट लिखा है सानिया भार्गव ने। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपसे यहीं पर विदा लेती हूँ और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।
क्यों आखिरी समय पर किया गया सारा अली खान को हीरोपंती प्रोजेक्ट से बाहर और क्यों हीरोपंती का बेहतरीन पोस्टर बना टाइगर के ट्रोल होने की वजह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। आज मैं आपसे बात करूंगी फिल्म हीरोपंती 2 के बारे में। दोस्तों, आप सभी को टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन की डेब्यू फिल्म हीरोपंती के बारे में जरूर पता होगा। दोस्तों, भले ही इस फिल्म को एवरेज रेटिंग मिली हो, लेकिन फिल्म में दर्शाए गए टाइगर के एक्शन और डांस ने उन्हें बॉलीवुड का सितारा बना दिया और उनके इन्हीं टैलेंट की ऑडियंस के बीच डिमांड ने मेकर्स को मजबूर किया कि वे एक्शन फिल्म का एक धमाकेदार सीक्वल लेकर वापस बड़े पर्दे पर लौटे और इसी कारण से अब जल्द ही रिलीज होने वाली है हीरोपंती 2। जी हां दोस्तों, फिल्म का पोस्टर भी लॉन्च हो चुका है। तो आज का हमारा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। हम आपको बताएंगे कि इस फिल्म में हमें कौन सी कास्ट देखने को मिली, फिल्म की कहानी क्या होगी और किन कारणों ने फिल्म को आलोचनाओं के घेरे में खड़ा कर दिया है। दोस्तों, सबीर खान के निर्देशन में फिल्म हीरोपंती एक एक्शन रोमांस ड्रामा फिल्म है। इसका निर्माण साजिद नाडियावाला ने किया है। यह 2008 में रिलीज हुई अलू अर्जुन की तेलुगु फिल्म परुगु का हिंदी रीमेक है। इसमें टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन मुख्य भूमिका में हैं। इनके अलावा हमें हीरोपंती में प्रकाश राज, संदीप आधर, विक्रम सिंह, सुनील ग्रोवर आदि अभिनेताओं का भी अभिनय देखने को मिला। ये 6 साल पहले 23 मई को सिनेमाघर में प्रदर्शित हुई। दोस्तों, ये टाइगर श्रॉफ की पहली फिल्म है और कृति सेनन की भी ये पहली बॉलीवुड फिल्म है। सभी खान की बात करें तो इससे पहले उन्होंने अक्षय कुमार और करीना कपूर के साथ कमबख्त इश्क बनाई थी, उसके पश्चात ये उनकी दूसरी फिल्म है। दोस्तों, बात करते हैं जल्दी रिलीज होने वाली फिल्म के सीक्वल के बारे में। हीरोपंती 2 का निर्देशन अहमद खान करेंगे, जिन्होंने इससे पहले बागी फ्रेंचाइजी से बागी 2 और बागी 3 का निर्देशन किया है। इस बार भी फिल्म के निर्माण का कार्यभार साजिद नाडियावाला ने अपने सर पर उठाया है। दोस्तों, ये फिल्म 16 जुलाई 2021 को रिलीज होगी। IMDb के अनुसार फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी की कहानी पर आधारित होगी जो रात में लोगों की मदद करता है और फिल्म का काफी बड़ा हिस्सा UAE में शूट किया गया है। दोस्तों, बता दें कि साजिद नाडियावाला द्वारा हीरोपंती 2 के ऐलान के साथ ही फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर भी रिलीज किया गया, जिसमें टाइगर श्रॉफ काफी दमदार अवतार में नजर आ रहे हैं और फिल्म के पोस्टर से साफ है कि फिल्म में एक्शन का स्तर काफी ऊपर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बाकी फिल्मों की तरह हीरोपंती 2 भी एक्शन और स्टंट से भरपूर होगी, लेकिन कई सोशल मीडिया यूजर्स को ये पोस्टर पसंद नहीं आया। दरअसल फिल्म के पोस्टर के रिलीज होते ही इस पर जॉन विक की कॉपी होने के आरोप लगने शुरू हो गए। बता दें कि जॉन विक हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म रही है और दर्शाए गए कियानू रीव्स के एक्शन अवतार दुनिया भर में पसंद किए गए हैं। दोस्तों, टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 2 को सोशल मीडिया पर कियानू रीव्स की सुपरहिट फिल्म से इंस्पायर्ड बताया जा रहा है, क्योंकि टाइगर श्रॉफ का कोट पैंट वाला लुक कुछ कुछ जॉन विक जैसा ही है। यही नहीं, फिल्म की टैगलाइन द वर्ल्ड वांट्स हिम डेड, दुनिया उसकी मौत चाहती है, को भी जॉन विक की स्टोरी लाइन से इंस्पायर्ड बताया जा रहा है, जिससे कि फैंस को लग रहा है कि बॉलीवुड फिल्म मेकर्स को हॉलीवुड की नकल करने की आदत सी हो गई है। इससे पहले KGF 2 के पोस्टर्स को भी विकनिक्स की कॉपी बताया जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, अब आते हैं फिल्म की कास्टिंग पर। फिल्म में टाइगर श्रॉफ का होना तो शुरू से तय था, लेकिन उनकी अपोजिट फिल्म लीड की खोज काफी समय से चल रही थी और चर्चा का विषय भी बनी हुई थी। खबरों की माने तो फिल्म में सैफ अली खान की शहजादी सारा अली खान का होना लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन ड्रग स्कैंडल से उनका नाम जुड़ने की घटना ने उनके हाथ से मौका छीन लिया। जब उनका नाम स्कैंडल से जुड़ा तो निर्माताओं को लगा कि उनको फिल्म में साइन करने से फिल्म की कमाई पर असर पड़ सकता है और उन्हें तुरंत हटा दिया गया। तो दोस्तों, फिल्म में कौन निभाएगी टाइगर के लव इंटरेस्ट का किरदार? कई अटकलों के बाद हीरोपंती 2 के निर्माताओं ने आखिरकार तारा सुतारिया को इस सफल एक्शन फ्रेंचाइजी की दूसरी किस्त में टाइगर श्रॉफ के साथ उनकी फीमेल लीड के रूप में घोषित कर दिया है। बता दें कि इससे पहले टाइगर और तारा को उनकी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में भी साथ देखा गया है। इसके साथ ही तारा सुतारिया निर्माता की आने वाली फिल्म का भी हिस्सा है, जिसमें वह आन शेट्टी के साथ नजर आएंगी। प्रोडक्शन हाउस से एक प्रवक्ता ने शेयर करते हुए कहा, साजिद सर ने आन शेट्टी की डेब्यू फिल्म में तारा के कुछ सीन देखे थे और उनकी शानदार परफॉर्मेंस से उनका दिल जीत लिया। बता दें कि इस फिल्म के अलावा टाइगर श्रॉफ उनकी आने वाली फिल्म में बागी 4 और गणपत के लिए भी खुद पर मेहनत कर रहे हैं। तो वहीं तारा सुतारिया की बात करें तो उनकी फिल्म में तड़प और एक विलन 2 भी लाइन में है। जैसा कि हम जानते हैं कि तारा और टाइगर की केमिस्ट्री को पहले ही बहुत पसंद किया गया था और उसके साथ टाइगर के हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स और साजिद नाडियावाला के निर्देशन एलिमेंट जुड़ने से फिल्म के सफल होने की सभी काबिलियत है। बस अगर फिल्म की स्टोरी भी अच्छी हो और अच्छी तरह से दर्शाई जाए तो फिल्म जरूर सुपरहिट होगी। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि हीरोपंती 2 के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
स्क्रिप्ट लिखी है उपासना ने। अब लगता हो जाऊंगा, बताया तो जा यहां के लाया, क्योंकि इधर कोई झूठ नहीं बोलता। सच कह रहा हूं, कौन है इस फिल्म में और क्या खास है इस मूवी में, ये सभी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं बॉलीग्रेड स्टूडियोज और मैं हूं आपके साथ मानशी। हीरोपंती 2 के साथ टाइगर श्रॉफ एक बार फिर तैयार है बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के लिए। हीरोपंती 2 साल 2014 में आई हीरोपंती की सीक्वल मूवी है। हीरोपंती फिल्म से टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। इस फिल्म को साजिद नाडिया अडवाणी ने प्रोड्यूस किया था और सबीर खान इस फिल्म के डायरेक्टर थे। इस रोमांटिक एक्शन मूवी से टाइगर और कृति ने बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई। हीरोपंती ने बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार प्रदर्शन किया था। हीरोपंती 2 के साथ लोगों के दिलों पे छाने के लिए टाइगर एक बार फिर तैयार है। हीरोपंती 2 साजिद नाडिया अडवाणी ही प्रोड्यूस कर रहे हैं और अहमद खान इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। हीरोपंती 2 एक रोमांटिक एक्शन फिल्म होगी जो इसी साल जुलाई में रिलीज होगी। इस फिल्म के अनाउंसमेंट टाइगर श्रॉफ ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल से की थी। फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए टाइगर ने लिखा था कि यह मूवी उनके लिए बहुत स्पेशल है और वो बहुत खुश हैं एक बार फिर अपने मेंटर साजिद नाडिया अडवाणी के साथ काम करके। टाइगर ने इस फिल्म से जुड़े दो पोस्टर शेयर किए, जिसमें से एक पोस्टर में वो काफी सारी बंदूकों के बीच खिले नजर आ रहे हैं। एक बात तो साफ है कि मूवी में काफी एक्शन देखने को मिलेगा। वैसे भी फिल्म में टाइगर हो तो बिना एक्शन के तो मूवी अधूरी रहेगी। इस मूवी में आपको टाइगर और कृति की नहीं बल्कि टाइगर और तारा सुतारिया की जोड़ी देखने को मिलेगी। जी हाँ, फिल्म से जुड़े होने की जानकारी खुद तारा ने सोशल मीडिया पर शेयर की। इससे पहले टाइगर और तारा की जोड़ी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में देखने को मिली थी। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या ये जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर छा पाएगी। इस मूवी में टाइगर फुल ऑन एक्शन में नजर आने वाले हैं। यह मूवी एक ऐसे शख्स की कहानी होगी जो रात में लोगों की मदद करता है, चाहे किसी को किडनैपिंग से बचाना हो या चोरी रोकना, ये शख्स हमेशा वहाँ मौजूद रहता है लोगों की मदद के लिए। यही नहीं, इस मूवी में टाइगर एक मिशन पर भी जाएगा जहाँ उनका लक्ष्य रात के अंधेरे में रशियन ट्रूप्स को मार गिराना होगा। ओके, सो प्लॉट काफी इंटरेस्टिंग है। मूवी में फुल एक्शन और धमाल की उम्मीद है। टाइगर फिल्मों में हमेशा अपने एक्शन और डांस के लिए जाने जाते हैं। टाइगर अपनी बेहतरीन फिल्मों से बॉलीवुड में सुपरस्टार्स की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। अब यह देखने वाली बात होगी कि यह फिल्म दर्शकों को कितनी पसंद आएगी और टाइगर दर्शकों की उम्मीदों पे खड़ा उतर पाएंगे या नहीं। इसके लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए पॉलीक्रैक्स स्टूडियोज।
बेटी से बहुत प्यार करते हो, उसकी शादी कहाँ करनी है ये हक मैं आपसे नहीं छीनना चाहता, लेकिन जहां बीतेगी है अगर उससे जरा सी भी तकलीफ हुई तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। Language dramatic action film directed by Sabir Khan and produced by Saljit Nariyalwal. The film stars Tiger Shroff and Kirti Senan in their Hindi film debuts alongside Prakash Raj in a supporting role. A remake of the Telugu film Parugu. It was released on 23 May 2014, so strong collection at the box office. A sequel titled Heeropanti 2 directed by Ahmed Khan is set to be released in 2021 with Shroff again playing the lead alongside Tara Sutaria. Salman Khan asked Nariyalwala to lunch Jackie Shroff's son, Tiger Shroff, for the film, which was signed in June 2012. Filming was mostly done in Kashmir, including the romantic song Rabba. Official trailer was released on 6 April 2014. The film was released on 25 May 2014. The film critic Subhash K. Jha gave it 3.5 out of 5 star and said that Shroff delivers a rare combination of romantic and action-oriented protagonist. Bollywood Hangama critic Taran Adarsh also gave the movie 3.5 out of 5 star, calling it an entertainer and hits the right note. CNN News 18 critic Rajay Masand gave the film 2 out of 5 star and stated that for Heeropanti, with its regressive themes, sexist humor and stock villains bears you out early on during its 2-hour 26-minute running time. Anupama Chopra also gave the movie 2 out of 5 star and overall criticized the movie by saying the disjointed narrative brims and the low IQ, high testosterone being brandishing weapons. The women are puppets who either simple or scream. According to First Post, critic Mihir Fadnavis, Tiger Shroff can pull off stunt, but that is about it. Fahim Rumani of India Today gave it 1.5 out of 5 stars, stating that Heeropanti is all about Shroff's athletic ability and has little to do with his acting skill. Puneet Kapil gave this movie 2 out of stars and added that the movie is only for the one-time watch and that too for the light comedy and action scenes. The soundtrack was composed by Sajid Wajid, Manj Mausik and Mustafa Zahid. The lyrics were written by Kausar Munir, Raftar and Mustafa Zahid. Mohit Chauhan, Wajid, Manj, Nindi Kaur, Raftar, Mustafa, Shreya Ghoshal and Arijit Singh lent their voices for the soundtrack. The soundtrack was released in 21 April 2014. The song Whistle Baja had its signature tune similar to the hit song Lambi Judai, originally sung by Reshma for Tiger Shroff's father Jackie Shroff film Hero. Heeropanti 2 was confirmed by Tiger Shroff on 19 February 2020. On 28 February, Heeropanti 2 was officially announced by Nariyalwala Grandson Entertainment with two posters featuring Tiger Shroff. The shoot was supposed to begin in May 2020 but could not commence owing to coronavirus. There was speculation that Kriti Senan, Katrina Kaif and Sara Ali Khan were approached for the female leader character. In October 2020, Tara Sutaria was chosen as the female lead. Filming starts in the first week of December 2020 and will take place in 10 countries. Heeropanti 2 is releasing on July 18, 2021 in theatres. Today's script is written by Alia Khan.